जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक पूछे गए हैं या इंपॉर्टेंट हैं या पूछे जाने की संभावना है, इन सारे प्रश्नों को कोशिश करते हैं एक वीडियो में समझने की, एक वीडियो में देखने की। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है ना, वो बस एक रिविजन पर्पज है। कि मान लीजिए कल पेपर है आपका या फिर 2-3 दिन में पेपर है आपका, तो एक बार आपका रिवीजन हो जाए, रिकैप हो जाए कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है, कौन कौन से पॉइंट है, कैसे उसको बना कर लिखना है और कैसे आपको समझना है। तो इस वीडियो को बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, हर एक पॉइंट को टच करते हुए उसके थ्रू आदमी चलेगा, उसके उसको देखते हुए चलेगा, उसको समझते हुए चलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है, एग्जाम्स में बहुत समय है, तो आप डिटेल्स वाली वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि वो सारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं और उसके बारे में आप कितना जानते हैं, कितना कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करेंगे आपके नॉलेज इन करिकुलम के पहले यूनिट से, जो कि पहला यूनिट है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की अवधारणा। और ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा का अर्थ, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व, शिक्षा के अभिकरण, शिक्षा और साक्षरता, और विद्या और अविद्या। इस पॉइंट से ये वो सारे प्रश्न हैं जिसमें से हमेशा आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो अब हम इसको शुरू करेंगे। जैसा मैंने बताया आपको कि समझते हुए चलना है, तो समझते हुए चलने के लिए दोस्तों हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, महात्मा गांधी की एक शिक्षा की परिभाषा से। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा उनके अनुसार क्या है दोस्तों, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास, मतलब शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से है। इकलौता परिभाषा इसलिए बेस्ट है क्योंकि एक परिभाषा के आधार पर आप शिक्षा के बारे में बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सर्वांगीण विकास का है, तो आप अगर शिक्षा की अवधारणा लिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य की या बालक की सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, या मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष को, उनके शारीरिक पक्ष को, उनके मानसिक पक्ष को, तीनों पक्षों का विकास करता है। अर्थात शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य का ऑलराउंड डेवलपमेंट, एक सर्वांगीण विकास करता है। इस तरीके से आप शिक्षा के बारे में लिख सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्य पूछे तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भी यही है दोस्तों, कि शिक्षा में बालकों का सर्वांगीण विकास, हर एक पक्ष का विकास करना, ये शिक्षा का कार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप शुरू, यहाँ इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसको आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों शिक्षा के बारे में, समझते हैं, शिक्षा की अवधारणाओं को जानते हैं। तो चलिए, शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षा का मतलब क्या है दोस्तों। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हर जगह से, शिक्षा मतलब जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। माँ बाप जो हमें आचरण सिखाते हैं, जो संस्कार सिखाते हैं, वो भी एक शिक्षा का भाग है। हम अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, अपने घर वाले से जो कुछ भी सीखते हैं, वो सारी हर एक चीज़ क्या है, शिक्षा एक उस सब चीज़ क्या है दोस्तों, शिक्षा का भाग है। अब आइए, व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सउद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृति एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। तो शिक्षा के द्वारा बच्चे को सभ्य, सुसंस्कृत, मतलब एक सांस्कृतिक के साथ, और उसे एक योग्य नागरिक बनाया जाता है। दोस्तों, तो प्लूटो ने, देखिए प्लूटो ने क्या कहा था, प्लूटो ने परिभाषा दिया था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है, उस ट्रेनिंग से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ परिभाषा जो आपको आसान लगे, कम से कम 3 परिभाषा आपको इसको बखूबी याद कर लेना है, जिसमें आपने एक गांधी जी का याद कर लिया, दूसरा आप यहाँ से प्लूटो का याद कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और आसान से परिभाषा चाहिए, जैसे अरस्तु का लिख लीजिए। अरस्तु ने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति की शक्ति और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य शिव सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। तो इस तरीके से कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जिसको आपको कम से कम 3 आपको समझना पड़ेगा, 3 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अरविंद घोष जी ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव के पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक बल की सर्वांगीण उन्नति से है। देखिए, महात्मा गांधी और अरविंद घोष जी के दोनों की परिभाषा काफ़ी सिमिलर है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ तक बात हो गई दोस्तों शिक्षा की, ठीक है। शिक्षा के अब अर्थ की बात करें तो शिक्षा के अर्थ को भी 2 शब्दों में, जैसे आपने शिक्षा को जाना कि सर्वांगीण विकास, मन, मस्तिष्क, आत्मा, इन 3 चीज़ों का विकास, इसके अलावा बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, तमाम तरीके के जो उद्देश्य हैं वो शिक्षा के उद्देश्य हैं। अब यहाँ पे आता है कि शिक्षा का अर्थ, तो शिक्षा के अर्थ आपको थोड़ा सा सपोर्ट करेगा अगर लॉन्ग आंसर में पूछता है तो, आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने में। तो शिक्षा के अर्थ को 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला, शिक्षा का व्यापक अर्थ, और दूसरा, शिक्षा का संकुचित अर्थ। व्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ।
व्यापक अर्थ ये कहता है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो सदैव चलती है, सौदेश सामाजिक प्रक्रिया है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। शिक्षा के व्यापक अर्थों का मतलब है कि शिक्षा हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने माता पिता से, घर परिवार से, समाज से, कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा सदैव चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये होता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थों की जब हम बात करें तो शिक्षा के संकुचित अर्थ का मतलब ये होता है कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान या समय पर ही प्राप्त कर सकते हैं, जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, लाइब्रेरी, गुरु से ही, इन्हीं लोगों से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो जब इस प्रकार के अर्थ हो तो उसको संकुचित अर्थ कहते हैं। तो अभी शिक्षा के बारे में दोस्तों आपने उसकी परिभाषा देखी, ये शिक्षा के यहाँ पे दो अर्थ देख लिए। अब आइए शिक्षा के बारे में अपनी जानकारी कुछ और बढ़ाते हैं और एक और सवाल आपसे पूछ सकता है कि जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। तो मैं आपको पॉइंट देता हूँ, अब उस आधार पर आप लिखेंगे। जैसे जैसे मनुष्य को वर्तमान जीवन में जीने के लिए हवा पानी भोजन की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा भी एक जीवन के लिए आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अधिकारों को अवगत कराता है, हमारे कर्तव्यों को अवगत कराता है, सही गलत में फ़र्क करने बताता है, हमारे आध्यात्मिक नैतिक संपूर्ण विकास करता है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद कुछ पॉइंट लिखेंगे। शिक्षा सर्वश्रेष्ठ धन है। धन का मतलब ना कोई इसे चुरा सकता है, ना कोई इसे काट सकता है, ना कोई इसे जला सकता है, और ये बांटने पर घटता नहीं है दोस्तों, बल्कि और क्या होता है, बांटने पर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से शिक्षा मनुष्य के लिए, शिक्षा विकास का मूल मंत्र है जिसके आधार पर बच्चे का विकास हो सकता है, उसके हर एक पहलू को, कि वो कैसे समझेगा, कैसे सोचेगा, कैसे बात करेगा, कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे बिहेव करना है, अपने अधिकारों को कैसे प्राप्त करना है, इन सारे चीज़ों का विकास शिक्षा के माध्यम से होता है। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञानवान बनाती है, वही ज्ञानवान भी बनाती है, हमें जानकारी देती है, नई नई चीज़ों को बताती है। तो ये हो गई दोस्तों शिक्षा मानव जीवन के लिए महत्व और विपरीत हालातों में संतुलन पर। आपने देखा होगा जो, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, विकास दिव्यकृति को आप देखेंगे तो उनका संतुलन, मतलब मैंने उनको देखा, अगर वो गुस्से में भी हो तो वो मुस्कुराते होते। तो जैसे जैसे लोग पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे लोग शिक्षा प्राप्त करते जाते हैं, उनके अंदर एक कामनेस, एक पीस, एक धैर्य, एक आराम से रहने की वो उनकी प्रवृत्ति बनती जाती है। तो ये क्या है कि विपरीत स्थिति में, जैसे मान लीजिए कोई मुसीबत भी आ गया तो कैसे आपको उसको हैंडल करना है, इस चीज़ों का ज्ञान होता है। कोई बहुत ऐसा नहीं कि आपके घर कोई पार्टी हो गई तो ले धूमधड़ाका पूरा आग लगा दी, नहीं, तो कैसी स्थिति में कैसे संतुलन बनाए रखना है, इस चीज़ का भी ज्ञान हमें शिक्षा के माध्यम से होता है। चलिए अब यहाँ पे आपको एक और पॉइंट देखने को मिलेगा। जैसे अभी तक आपने क्या समझा, एक सवाल आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। आपने शिक्षा को समझा, शिक्षा की परिभाषाएं देखी, महात्मा गांधी की परिभाषा, अरस्तु की परिभाषा, श्री अरविंद घोष जी की परिभाषा, इन तीन परिभाषाओं को ध्यान में रखिए। साथ ही साथ शिक्षा का अर्थ आपने देखा, शिक्षा का व्यापक अर्थ और शिक्षा का संकीर्ण अर्थ, मानव जीवन के लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद आपका शिक्षा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एक सवाल आपसे शिक्षा से पूछेगा तो निश्चिंत रहेगा कि एक सवाल आपने यहाँ पे कंफर्म कर लिया शिक्षा में। अब ये कम से कम दो सवाल आपके पार्ट ए में पूछेंगे, एक सवाल पार्ट बी में पूछेगा, और इससे एक सवाल आपको पार्ट सी में भी पूछेगा। वो क्या था, एजुकेशन था, वो आपका था शिक्षा। अब आइए एक और पॉइंट को ऐड कर लीजिए, शिक्षा के अभिकरण, मतलब एजेंसीज ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा के अभिकरण। ये क्या होते हैं शिक्षा के अभिकरण? अब केंद्र, मतलब वह स्थान या वह जगह या वह तत्व, वह कारक जो आपको शिक्षा देता हो। अब आपको क्या लगता है, स्कूल से हमें शिक्षा मिलती है? जी हाँ मिलती है। घर परिवार से हमें शिक्षा मिलती है? मिलती है। शिक्षा की एक नई संकल्पना ये भी है कि डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, उससे भी हमें शिक्षा मिलती है। तो वास्तव में दोस्तों तीन तरीके के शिक्षा के अभिकरण बताए गए। एजेंसीज कितने बताए गए दोस्तों? तीन तरीके के, रिविज़न करते चलिए। पहला क्या है, औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक, तीसरा निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल जैसे फॉर्मली होता है, फॉर्मली का मतलब, फॉर्मली ये कहता है कि दोस्तों शिक्षा एक निश्चित पाठ्यक्रम में होता है, निश्चित विद्यार्थी तथा निश्चित योग्यता के शिक्षक करते हैं, विद्यार्थी निश्चित हैं, शिक्षक निश्चित हैं, स्थान निश्चित है, समय निश्चित है कि 9 बजे से लेकर 4 बजे तक आपकी शिक्षा होगी, स्थान मतलब आपकी स्कूल में शिक्षा होगी, पढ़ाने वाले शिक्षक की ये योग्यता होनी चाहिए। तो औपचारिक साधन या औपचारिक एजेंसी ये कहता है कि वह अभिकरण या वह एजेंसी या वह साधन जहाँ पे पढ़ने वाले निश्चित हो, पढ़ाने वाले निश्चित हो, पाठ्यक्रम निश्चित हो, स्थान निश्चित हो, समय निश्चित हो, तो वहाँ पे दी गई शिक्षा का क्या कहती है, औपचारिक शिक्षा कहती है, फॉर्मल शिक्षा। इसके उदाहरण क्या होंगे भाई? इसके उदाहरण हमारे पास हो जाएंगे, स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, संग्रहालय हो गया, वाचनालय हो गया। इस तरीके की शिक्षा क्या हो गई हमारी? औपचारिक शिक्षा।
निरौपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है। निरौपचारिक शिक्षा में दोस्तों अनौपचारिक कहते हैं, अनौपचारिक इनफॉर्मल एजेंसी में कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ाने वाले का एज कितना है, पढ़ाने वाले की योग्यता कितना है। सीखा माता पिता से सीख सकता है, मित्र मंडली से सीख सकता है, समाज से सीख सकता है, टेलीविजन से सीख सकता है, कहीं से भी सीख सकता है। तो इस तरीके के जहाँ से वो बच्चा हासिल करता है उसे हम अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल एजेंसी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, बात यहाँ पर समझ में आ जाएगी। अब ये जो शिक्षा है दोस्तों सभी स्थानों पर सभी समयों पर हो सकती है, ठीक है। इसके लिए किसी जरूरी शैक्षिक संस्थान की जरूरत नहीं है। और इन अभिकरणों को शिक्षा प्रदान करने के निश्चित विधि नियम आदि भी नहीं होते, किसी समय किसी भी विधि से इन अभिकरणों से सीख सकते हैं। घर परिवार माँ बाप मित्र मंडली दोस्त समाज इन सब से सीखने के लिए कोई निश्चित समय निश्चित स्थान की जरूरत नहीं होती, पूरी उम्र आप कहीं भी सीख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, घर परिवार खेल समुदाय समाज व्यवसायिक साधन प्रेस आकाशवाणी दूरदर्शन चलचित्र पत्र पत्रिकाएँ, इससे आप ये हो गए दोस्तों अनौपचारिक यानी कि इसको कहते हैं इनफॉर्मल एजेंसी। तीसरा पॉइंट इन दोनों के बीच की कड़ी है। इन दोनों के बीच की कड़ी का मतलब जैसे एक डिस्टेंस लर्निंग एक इसका उदाहरण होता है। अब इसमें डिस्टेंस लर्निंग में आपका करिकुलम तो फिक्स है, आपका सिलेबस फिक्स है, आपका समय भी फिक्स है कि एक साल के अंतर्गत पढ़ना है, लेकिन कहाँ से पढ़ना है ये फिक्स नहीं है। आप इसको कहीं से तो ये इन दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है। निरौपचारिक शिक्षा का मतलब इन दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है, ठीक है। जैसे प्रौढ़ शिक्षा, जन शिक्षा, सतत शिक्षा, व्यावसायिक निरौपचारिक शिक्षा, जैसे ओपन से आप कर रहे हैं, स्पेशल किसी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो इस तरीके की शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसमें पढ़ाने वाला फिक्स नहीं होता कि आपको यहीं से पढ़ना है, किसी भी किताब से पढ़िए, किसी भी शिक्षक से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपका सिलेबस पाठ्यक्रम करिकुलम फिक्स होता है, समय अवधि फिक्स होती है कि कितने समय में आपको पेपर देना है। तो ये हो गई दोस्तों बात निरौपचारिक शिक्षा। मुक्त विद्यालयों की बात की गई रेडियो से दोस्तों, ये हो गई बात दोस्तों। अब एक और पॉइंट आता है शिक्षा और साक्षरता में, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट आपको खत्म हो जाएगा, फिर एक बार हम रिकैप करेंगे मतलब रिवीजन कर लेंगे इसका, फिर हम चलेंगे दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम। शिक्षा और साक्षरता को समझ जाइए, बस समझने की बात। साक्षरता का मतलब होता है लिटरेसी, लिटरेसी मतलब लिखना पढ़ना आना। तो जो बच्चा लिख सकता है पढ़ सकता है वो लिटरेट है, ठीक है। शिक्षित का मतलब होता है जिसकी मानसिक विकसित हुई हो, मानसिक विकास हुआ हो, जिसके अंदर सोचने समझने सही गलत करने की फैसला लेने की क्षमता हो। तो साक्षरता जब कोई तब साक्षर है जब वो पढ़ और लिख सकता है। साक्षर होने के लिए उसे किसी लंबे निबंध लिखने की आवश्यकता नहीं, छोटे वाक्य को पढ़ना लिखना पर्याप्त है। इसके अलावा साक्षर होने का मतलब है कि वो सरल गणित जैसे आलू कितने रुपए कीजिए है, दूध इतने रुपए लीटर है तो आधा लीटर का कितना होगा, इस तरीके का वो हल कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि दुनिया में जीवित रहने के लिए साक्षर होना जरूरी है, अच्छा, लेकिन सही से जीने के लिए शिक्षा और जरूरी है। शिक्षा क्या है भाई? दूसरी तरफ शिक्षा व्यापक अवधारणा है। शिक्षित होने के लिए किसी साक्षर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा को कि सभी रूपों में पढ़ने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे पहले के लोग जो होते थे वो शिक्षित होते थे, लेकिन इंग्लिश या हिंदी वो इस तरीके को पढ़ नहीं पाते थे। तो शिक्षित होने के लिए मतलब एक अच्छा नागरिक होने के लिए, जैसे सामाजिक नागरिक होने के लिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको साक्षर होना पड़ेगा, ठीक है। तो शिक्षा मतलब आपके विकास हो जाए, आप सही गलत का फैसला कर सके, सोच समझ सके, आपके अंदर नैतिकता हो, इंसानियत हो, सच्चाई हो, इन सारी चीज़ों का आपका विकसित हो, सही बोल सके, प्रेम सद्भाव हो, तो आप शिक्षित हैं। तो शिक्षित होने के लिए कोई साक्षर की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर साक्षरता शिक्षित होने में मदद करती है, इससे जो साक्षरता है वो शिक्षित होने में मदद करती है। शिक्षा सिर्फ डिग्री प्राप्त करने और परीक्षा में गुजरने के बारे में नहीं है, शिक्षा लोगों को ज्ञान प्रदान करनी है, ठीक है। तो ये हो गई बात शिक्षा और साक्षरता के बारे में, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब कुछ छोटे छोटे सवाल है जो आपसे पूछ लेता है एक नंबर में, जैसे विद्या और अविद्या क्या। तो विद्या और अविद्या के बारे में दयानंद सरस्वती ने जो ध्यान से कहा था उसको देखिए, विद्या वो है दोस्तों जिसको ज्ञान है, ज्ञान होना मतलब विद्या है। अविद्या का अर्थ होता है दो तरीके से, पहला मिथ्य ज्ञान या अविद्या योग, जैसे किसी को गलत ज्ञान हो जाए, ठीक है, तो गलत ज्ञान हो जाना अविद्या है। दूसरे शब्दों में आप यूँ समझ लीजिए कि विद्या वो है दोस्तों जो ज्ञान दोषपूर्ण नहीं है, जो ज्ञान दोषपूर्ण नहीं है वो विद्या है, और जो ज्ञान दोषपूर्ण है वो अविद्या है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपने समझा किसी कारणवश लोकेशन को चेंज करना पड़ा, तो यहाँ पे आप समझे कि विद्या और अविद्या का क्या मतलब हुआ दोस्तों। अगर आपसे विद्या और अविद्या में पूछता है तो थोड़ा सा विद्या के बारे में लिखिए, और लिखिए कि दोस्तों जो वैश्विक दर्शन के अनुसार अदुष्ट विद्या मतलब जो विद्या दोस्तों दोषपूर्ण नहीं है वो विद्या है, और जो ज्ञान दोस्तों दोषपूर्ण है वो अविद्या है। मतलब जो दोषपूर्ण ज्ञान है वो अविद्या है, जो दोषपूर्ण ज्ञान नहीं है वो विद्या है, ठीक है।
चलिए यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई विद्या और अविद्या के बारे में। तो अब तक आपने क्या जाना? शिक्षा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के सर्वगीण विकास का है, मतलब आत्मा मन और उसके शरीर, मानसिक शरीर और उसके आत्मा। चलिए तो यहाँ तक आपने क्या देखा शिक्षा के बारे में? शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है? बालक एवं मनुष्य के सर्वगीण विकास का, सर्वगीण का विकास का मतलब उसकी मन, उसकी आत्मा, उसके शरीर तीनों का संपूर्ण विकास से है। यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी महात्मा गांधी ने। तो आप यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक या मनुष्य का सर्वगीण विकास करती है। शिक्षा शारीरिक विकास करती है, मानसिक विकास करती है, आध्यात्मिक विकास करती है। शिक्षा सामाजिक विकास भी करती है, मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाता है, उसका उसको दोस्तों भावात्मक भी बनाता है। शिक्षा के बारे में और आपने क्या जाना कि शिक्षा से इंसान के अंदर धैर्य आता है, नैतिकता आती है, सच्चाई आती है, ईमानदारी आती है। तो ये कंप्लीट डेवलपमेंट, एक विकास का काम शिक्षा का होता है। चलिए परिभाषाएं आपने महात्मा गांधी की देख ली, अरस्तु की देख ली और भी दो तीन आपने परिभाषाएं देख ली। उसके अलावा आपने शिक्षा के अर्थ के बारे में दो प्रमुख अर्थ को समझा, संकीर्ण अर्थ, संक्षिप्त अर्थ और उसका व्यापक रूप, मतलब नैरो सेंस में और ब्रॉडर सेंस में। नैरो सेंस में ये कहता है शिक्षा कि शिक्षा एक निश्चित समय, निश्चित स्थान पे ही दी जाती है, विद्यालय के अंदर दी जाती है, शिक्षा देने वाले व्यक्ति की एक निश्चित योग्यता होनी चाहिए। जबकि व्यापक शब्दों में शिक्षा कहते हैं कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मनुष्य कहीं से भी किसी के द्वारा सीख सकता है, कोई निश्चित समय नहीं, निश्चित स्थान नहीं। तो ये हो गई बात शिक्षा के व्यापक अर्थ में और शिक्षा के संकीर्ण अर्थ में। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा के अभिकरण आपने देखा तो औपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक, निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। इसमें आपने क्या देखा? जब कोई ये मानता हो कि शिक्षा केवल स्कूलों में दी जाती है, शिक्षक के द्वारा दी जाती है, 9 बजे से 4 बजे तक निश्चित समय पर दी जाती है, तो वो हो गई दोस्तों औपचारिक, फॉर्मल। कोई ये मानता हो कि शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य से, घर परिवार, समाज से, वो हो गई दोस्तों अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल। और इन दोनों के बीच की कड़ी, जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटी में शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग में शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, तो इस तरीके की शिक्षा, इन दोनों के बीच की कड़ी है जिसे हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। एक और आपने पॉइंट देख लिया, शिक्षा और साक्षरता में अंतर। तो शिक्षा का मतलब संपूर्ण विकास और साक्षरता का मतलब पढ़ना लिखना समयर और जो बेसिक से गणितीय कैलकुलेशन है उनको करना आ जाना। ठीक है, ये हो गई शिक्षा और साक्षरता में फ़र्क। शिक्षित होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको साक्षर होना पड़े, लेकिन साक्षरता जो है लिटरेसी आपके शिक्षित होने में सहायता करती है। अंततः आपने विद्या और अविद्या में देख लिया। विद्या और अविद्या का मतलब जो ज्ञान दोषपूर्ण है वो अविद्या है, जो ज्ञान दोषपूर्ण नहीं है वो विद्या है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देख लिया शिक्षा के बारे में। अब निश्चिंत रहिए, एक सवाल आपसे इससे संबंधित पूछता है तो आप उसको अपने शब्दों में बना के लिखेंगे, लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आपने जो समझा उसी को उतार दीजिएगा। परिभाषा, तीन जो परिभाषा मुख्यतः, आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा। शिक्षा समझ गए हैं तो चलिए एक और पॉइंट इसको आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं दूसरे यूनिट की तरफ जिससे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ से आपका शुरू होता है बच्चों, दूसरा पॉइंट आपका है शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा और दर्शन क्या है। तो शिक्षा आपने देखा, शिक्षा क्या है भाई? मानव के सर्वगीण विकास है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो तीन महान दार्शनिक रहे हैं हमारे देश के, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी और श्री अरविंद घोष जी, तो सॉरी श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन तीनों लोगों की हम देखेंगे कि इनका शिक्षा के बारे में क्या कहना था, इनका शिक्षा के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था। ये दूसरा यूनिट है, इससे कम से कम आपको एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि दर्शन का मतलब क्या समझते हैं। दर्शन, देखिए दर्शन को हम अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी यूनान के दो शब्दों फिलॉस और सोफिया से बना है। फिलॉस का मतलब होता है प्रेम अर्थात लव, और सोफियल का मतलब होता है विजडम। इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ हुआ लव ऑफ विजडम यानी कि ज्ञान से प्रेम। दर्शन का मतलब हुआ ज्ञान से प्रेम। अन्य शब्दों में कहा गया है कि दर्शन का मतलब होता है कि हमेशा ज्ञान की खोज करना, हमेशा सत्य चीज़ों की खोज करना। जैसे हम इंसान हैं तो क्यों हैं, शिक्षा है तो शिक्षा की क्या मकसद है, क्या आवश्यकता है, क्या विशेषताएं हैं, इस ज्ञान को खोज करना दोस्तों, सत्यता को जानना, ये वास्तव में दर्शन कहलाता है। दर्शन वो है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। ठीक है, कभी संतुष्ट नहीं होता, उसके बारे में हमेशा जानने की कोशिश करते हैं। तो शिक्षा दर्शन में दर्शन की वह शाखा है जिससे हम शिक्षा संबंधी समस्याओं पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। यह एक प्रयुक्त दर्शन है। जब हम विशुद्ध दर्शन के आधारभूत प्रत्ययों का, जब हम दर्शन के कॉन्सेप्ट का, दर्शन के थियोरी का, दर्शन की सोच का, दर्शन के सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो उसे हम शिक्षा दर्शन कहते हैं। शिक्षा के बारे में आपने जाना कि सर्वगीण विकास, शिक्षा दर्शन का मतलब, शिक्षा दर्शन दर्शन की एक शाखा है। जब हम दर्शन के कॉन्सेप्ट, दर्शन के संप्रत्यय, दर्शन के सिद्धांत, दर्शन की सोच, दर्शन विचारधारा को जब हम शिक्षा में लागू कर देते हैं तो यह शिक्षा दर्शन कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आइए, दर्शन एवं सीमित शिक्षा सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में चिंतन करके समाधान दिए, उससे पाठ्य वस्तु शिक्षा दर्शन की संज्ञा दी जाती है।
दर्शन जीवन की समस्याओं को दार्शनिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है और उसके लिए जो समाधान दिया जाता है उसे शिक्षा में व्यवहारिक रूप दिए जाते हैं। आपने दर्शन से देखा कि आजकल के बच्चे जो हैं उनके अंदर एक गुस्से की भावना ज़्यादा आ रही है। आपने दर्शन में आपने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी जवाब दे रहे हैं, तो उसका आपने शिक्षा में इम्प्लीमेंट कर दिया कि बच्चों को आप मार के नहीं, डांट के नहीं, दबाव दे के नहीं पढ़ाएंगे, आप ऐसे वातावरण का इस्तेमाल करेंगे, निर्माण करेंगे जिससे बच्चा खुद समझ के पढ़ने लगे और उसको और रुचिकर बनाएंगे। तो इस तरीके से आपने दर्शन की विचारधारा को शिक्षा में लागू कर दिया। कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पे हम देख लेंगे। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों, शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। शिक्षा और दर्शन में संबंध कई बार पूछा जाता है, सवाल आपसे ये भी पूछ लेता है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू, इसकी व्याख्या करिए। अब इसको आपको ये दिखाना है कि शिक्षा और दर्शन कितने जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो उससे पहले दर्शन को समझ जाइएगा कि दर्शन क्या है भाई। दर्शन एक विचारधारा है, एक सोच है, एक दृष्टिकोण है जो सत्यता को जानने की कोशिश करता है। अब शिक्षा और दर्शन के संबंध में पहला आप ये लिख लीजिएगा कि दर्शन जीवन में वास्तविक लक्ष्यों का निर्माण करता है और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए शिक्षा उचित मार्ग देता है। शिक्षित व्यक्ति अच्छा दार्शनिक बन सकता है। दार्शनिक मतलब क्या है भाई, जीवन के वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण करेगा। कि अब दर्शन में भी अलग अलग दर्शन शास्त्र हैं, जैसे कि मान लो आदर्शवाद कहता है कि भगवान को प्राप्त करना यही वास्तव में क्या है, जीवन का लक्ष्य है। यथार्थवाद कहता है कि भगवान नहीं है भाई, सुखी जीवन जी लेना यही जीवन का लक्ष्य है, ठीक है। तो दर्शन अलग अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग अलग हो सकती है। तो शिक्षा और दर्शन में संबंध यह है कि दर्शन जो है वो जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करता है और शिक्षा उसे व्यवहार में परिवर्तित करता है, उसको व्यवहार में रूपांतरित करता है। दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा भी दार्शनिक दृष्टिकोण पर नियंत्रण रखती है। पैट्रिज के शब्दों में गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर भी आधारित है। ये दोनों एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। अब आइए, प्रत्येक समय के महान दार्शनिक, महान शिक्षा शास्त्री हुए, जैसे प्लूटो, सुकरात, लॉ कॉमिन्स, रूसो, गांधी जी, टैगोर जी आदि उदाहरण हमारे सामने हैं। इन सभी दार्शनिकों को अपने अपने दर्शन को क्रियात्मक अथवा व्यवहारिक रूप देने के लिए अंत में शिक्षा का ही सहारा लेना पड़ा, लास्ट में शिक्षा में ही शामिल करना पड़ा। अब जैसे मान लीजिए किसी की सोच क्या है, किसी की विचारधारा क्या है, इसको लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, तो शिक्षा के माध्यम से पहुंचाएंगे। शिक्षा सैद्धांतिक दर्शन का व्यवहारिकता के परिवर्तन करती है। शिक्षा का कार्य क्योंकि व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना है, इसीलिए एडम्स का यह कथन सही है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। गति कैसे देना है आपके दर्शन को, यह काम शिक्षा करे। तो ये दोस्तों कुछ मुख्य पॉइंट है शिक्षा और दर्शन के बारे में जिसको आपको समझना है। अब आइए एक लास्ट पॉइंट देखेंगे शिक्षा और दर्शन के संबंध के बारे में, जो सवाल इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आप उसको जरूर लिखिएगा समझते हुए। चलिए, रॉस के शब्दों में दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन शिक्षा का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक। विचार दर्शन है और क्रिया होना शिक्षा है। दर्शन द्वारा शिक्षा के उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, जबकि शिक्षा द्वारा उसे व्यवहारिक रूप दिया जाता है। चलिए, बात समझ में आ गई शिक्षा और दर्शन में, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे हम एक और पॉइंट को देखेंगे, महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन। अच्छा, जब महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की बात की जाए तो हमें ये सोचना है कि महात्मा गांधी ने शिक्षा को क्या कहा, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या थी, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि महात्मा गांधी न केवल राजनीतिक व्यक्ति थे अपितु जीवन और समाज में उनका बहुत योगदान रहा, अमूल्य योगदान रहा। उन राजनीतिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक क्रांति को भी जन्म दिया और शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया। वह एक श्रेष्ठ विचारक, बुनियादी शिक्षा प्रणाली उनके शैक्षिक विचारों में से एक व्यवहारिक रूप है। ये हो गई बात महात्मा। अब महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है भाई? तो महात्मा गांधी का विचार था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बने। वे मात्र साक्षरता को शिक्षित नहीं मानते थे, केवल पढ़ना लिखना शिक्षित नहीं है, वह ज्ञान या ज्ञान के माध्यम भी स्वीकार नहीं करते थे। गांधी जी शिक्षा में न तो साक्षरता को स्वीकार करते थे, न ही ज्ञान को। उनके शब्दों में शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक के मनुष्य के शारीरिक, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चौमुखी विकास है। गांधी जी ये नहीं मानते थे कि किसी को ज्ञान हो गया मतलब वो शिक्षित हो गया। गांधी जी ये भी नहीं मानते थे कि किसी बच्चा पढ़ना लिखना समझ गया। गांधी जी ये मानते थे जब तक मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं होगा वह शिक्षित नहीं कहलाएगा। तो ये गांधी जी का शिक्षा के बारे में विचार था, ठीक है। अब गांधी जी ने कुछ सिद्धांत दिए, गांधी जी ने कुछ सिद्धांत बताए, जैसे एक बार बस चलते हुए थे वो ये मानते थे कि 7 से 14 साल के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, शिक्षा विद्यार्थियों के समस्त मानवीय गुणों का, मानवीय गुण कौन से हैं, उनकी सोच, उनकी नैतिकता, उनकी इंसानियत, उनका ईमानदारी, उनका बोलना, उनका चलना, ये जो भी मानव के गुण हैं दोस्तों उन सभी का विकास करें। शिक्षा द्वारा बालकों को बेरोजगारी से सुरक्षा मिले, रोजगार मिले। शिक्षा से बालक के तीनों पक्षों का विकास हो। शिक्षा बालक के शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करे। सामंजस्यपूर्ण का मतलब संबंध बताते हुए विकास करे।
ठीक है। शिक्षा किसी लाभप्रद हस्तलिपि से प्रारंभ होनी चाहिए। बालक को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाए, मतलब आत्मनिर्भर बनाए, उन्हें एक रोजगार का भी साधन दे, शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए। शिक्षा जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। ये हो गई बात शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत जो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ओके, अब आइए जरा एक और पॉइंट को देखते हैं। वो पॉइंट ये है दोस्तों कि गांधी जी के संबंध में शिक्षा के वर्तमान में प्रासंगिकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना जरूर। अगर एग्जाम में पूछता है ऐसे, अगर आप एग्जाम में लिख देंगे ना तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा और आपके अंदर खुद भी एक सेटिस्फाई आएगा कि हाँ चलो हमने पेपर अच्छा दिया। तो देखिए, वर्तमान समय में गांधी जी की समस्याओं का एक बड़ा कारण व्यक्ति की भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई देखिए मतलब वर्तमान समय में क्या है, हमेशा व्यक्ति पैसे कमाने की बात करता है, भ्रष्टाचार करता है, स्वार्थी हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से कई चीज़ें बुराइयां हमारे समाज के अंतर्गत आ गई हैं, ठीक है। तो गांधी जी के जो अगर विचार थे शिक्षा की, कि मानव के नैतिकता का विकास करना, इंसानियत का विकास करना, अगर वो आज के जीवन में हो तो इन समस्याओं को रोका जा सकता है, इन समस्याओं को नहीं बढ़ने दिया जाएगा, रोका जा सकता है। गांधी जी की आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने का महत्व, तो गांधी जी के अगर मातृभाषा में देने की बात करते हैं तो ये सही भी है वर्तमान जीवन के लिए, क्योंकि हम दूसरी भाषा को बाद में सीखते हैं, हम अपनी मातृभाषा को जल्दी सीख सकते हैं, तो जल्दी मातृभाषा में हम समझ सकते हैं। गांधी जी ने ये भी कहा था, अगर वर्तमान प्रासंगिकता की बात करें तो गांधी जी ने ये कहा था कि निःशुल्क शिक्षा की बात करी थी, तो अगर उसको हम वर्तमान, हालांकि लागू हो चुका है मगर फिर भी वो कितना महत्वपूर्ण है। तो निःशुल्क शिक्षा में वो माँ बाप, वो माता पिता जिनको, जिनके पास पैसे कम हैं, जो समर्थ नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से वो ये भी कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा गांधी जी ने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि बच्चों को पहले प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही देनी चाहिए। तो ये वही बात इनकी जाए। अब आइए, उनके अनुसार पाठ्यक्रम, देखिए वैसे इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, मगर अगर एक पूछ देता है लॉन्ग में तो आप लिखिएगा। उन्होंने पाठ्यक्रम, गांधी जी ने पाठ्यक्रम के आधार में कहा था कि आधारभूत शिल्प जैसे कटाई, बुनाई, कृषि, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, मछली पालन, मिट्टी का काम, ये सारी, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत होना चाहिए। भाषा को मातृभाषा माना, गणित में ये भी माना, सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान, वनस्पति, शारीरिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, प्रकृति अध्ययन, नक्षत्र ज्ञान, गृह ज्ञान, ये सब भी उन्होंने अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया। उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कला में ड्राइंग और संगीत, हिंदी जहाँ यह मातृभाषा ना हो वहाँ भी पढ़ाई जाए, सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र पढ़ाई जाए, शारीरिक शिक्षा में खेल कूद, व्यायाम, योगा, ये सारी चीज़ें भी पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का ये दर्शन था, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के बारे में ये विचार। ठीक वैसे ही देखते रहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा दर्शन क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी भी कह सकते हैं इनको, तो ये क्या शिक्षा का मानते थे, देखिए इनके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ था पहले ये देखते हैं। तो इनका कहना था कि गुरुदेव, इनको गुरुदेव भी कहा जाता है, ठीक है, भारत में एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो वातावरण के निकटतम संपर्क में दी। वह समझते थे कि शिक्षा का उद्देश्यपूर्ण प्राकृतिक तथा संपूर्ण जीवन में व्यक्ति की एक तत्व भावना, एकता के विकास भावना के विकास है। सुसंयोजित व्यक्ति के लिए यह एकत्व की भावना ही सबसे महत्वपूर्ण समझते थे। वह चाहते थे कि शिक्षा द्वारा विद्यार्थी में यह क्षमता विकसित हो जाए कि वह प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके समाज के साथ मनुष्यत्व। इनका मोस्टली जो झुकाव रहा शिक्षा से संबंधित, उन्होंने ये कहा कि शिक्षा से इनका अभिप्राय यह है कि मनुष्य एकता में विश्वास करे, मनुष्य खुद को पूरे समाज का, पूरे प्राणी का एक सदस्य समझे, सबके साथ समान व्यवहार करे, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करे, प्रकृति के साथ अपने जीवन साधारण रूप से जिए। इनके अनुसार सिद्धांत क्या थे भाई, शिक्षा के सिद्धांत क्या होने चाहिए, तो देखिए महात्मा गांधी हो गए या रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, इनके बहुत सारे ऐसे सिद्धांत थे जो कि सिमिलर थे, मिलने थे, जैसे मातृभाषा में शिक्षा देना, स्वतंत्र रूप से शिक्षा देना, रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास और आत्म प्रकाशन पर, मतलब खुद से करने पर बल दिया जाए, बालक की शिक्षा नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होनी चाहिए, इनका मानना था कि प्रकृति के अंतर्गत ही शिक्षा दीजिए, खेल कूद के माध्यम से, पेड़ पौधों के आसपास शिक्षा दीजिए। शिक्षा द्वारा बालक के समस्त शक्तियों का समंजसपूर्ण विकास, महात्मा गांधी ने भी यही सिद्धांत दिया था, बालक की प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्रपूर्वक स्वयं करके सीखने का अवसर मिलना चाहिए। तो ये कुछ वो पॉइंट है जो कि हर एक दार्शनिक विचारधाराओं ने ये माना, जैसे स्वतंत्र शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, इन सारी शिक्षाओं को हर एक लोगों ने माना। उन्होंने, टैगोर जी ने खुद कैसी धारणा मानी थी शिक्षा को, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा की धारणा शरीर तथा आत्मा से है, प्रकृति की गोद में स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होकर विकास करना है, ये उनकी प्रमुख धारणा थी इसके बारे में। अब आइए उनके शिक्षा के उद्देश्य बिल्कुल समान होंगे दोस्तों, शारीरिक उद्देश्य, मानसिक उद्देश्य, शिक्षा जीवन के साथ सामंजस्य, व्यवहारिक इसको कह लीजिए, आध्यात्मिक संस्कृति का विकास, पूर्व मानव के रूप में विकसित और सत्य एवं एकता कायम करना, ये उनके प्रमुख शिक्षा के उद्देश्य थे। अब आइए इनके अनुसार पाठ्यक्रम की बात कर ले, तो पाठ्यक्रम में इन्होंने किन किन विषयों को शामिल किया, पाठ्यक्रम में इन्होंने इतिहास, प्रकृति का अध्ययन, भूगोल, साहित्य,
नाटक, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेखक भी थे, तो नाटक, भ्रमण, बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, ड्रॉइंग, मौलिक रचना इत्यादि। अतिरिक्त में खेलकूद, समाज सेवा, छात्र स्वशासन, ये इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य रखे। चलिए टैगोर जी की शिक्षण विधि की बात कर लें कि कौन कौन से विधि में इन्होंने कहा कि इस विधि में शिक्षा देनी चाहिए, इसको भी एक बार ध्यान में रखिएगा। तो उन्होंने कहा था कि स्वाभाविक रुचि एवं आयोगों पर आधारित होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि शिक्षण विधि में वाद विवाद, डिस्कशन, प्रश्नोत्तर मतलब क्वेश्चन आंसर का प्रयोग होना चाहिए। शिक्षण विधि में नृत्य, अभिनय, दस्तकारी को भी स्थान मिलना चाहिए, मतलब कला के बारे में भी इन्होंने कहा था। शिक्षण विधियों में बालक के अनुभव, सौर इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए और भ्रमण के समय शिक्षा सर्वोत्तम होती है, उनका मतलब टूर करा के, खेल करा के, इसीलिए तो इनको प्राकृतिक प्रेमी कहा जाता है कि प्राकृतिक से प्रेम करके ये शिक्षा देने की बात करते। तो यहाँ से पूछेगा आपको टैगोर और गांधी जी के बारे में, तो आप आसानी से ऐसे बना के लिखेंगे। देखिए कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, निःशुल्क शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, प्राकृतिक शिक्षा और सर्व सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य, तो इन सारी चीज़ों को कॉमन रखा गया हर एक लोगों की ये विचारधारा। स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की बात कर ले दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी खुद एक भारतवर्ष के अमर सपूतों में से एक है दोस्तों। इनकी आध्यात्मिकता की गहराई तथा संपूर्ण मानव मात्र में उनकी प्रेम हमारे लिए धरोहर है। बहुत आध्यात्मिक जुड़े हुए स्वामी विवेकानंद जी थे। कोई भी व्यक्ति हो जब इनकी विचारों को पढ़ेगा ना, जरूर इनसे प्रेम करने लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके विचारों में उनकी मानवता के प्रति प्रेम तथा आध्यात्म की भावनाएं दृष्टिगोचर होती है, मतलब दिखाई देती हैं। शिक्षा के बारे में देख लेते हैं, इनके अनुसार, विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, उसको भी याद कर लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ मनुष्य के छिपी हुई शक्तियों का पूर्ण विकास है, न केवल सूचनाओं का संग्रह है। ये याद कर लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद जी कहा था कि मनुष्य की जो अंतर शक्तियाँ हैं, जो निहित शक्तियाँ हैं, उनका संपूर्ण विकास ही शिक्षा है, न कि केवल सूचनाओं का। आपको केवल समझना, जानना, भरना ये शिक्षा नहीं है, आपके अंदर जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो शक्तियाँ, उनका विकास हो जाना ही शिक्षा है। उनके अनुसार यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते हैं तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते हैं। उनके अनुसार शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता को प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से विद्वान है, जो पहले से आपके अंदर नैतिकता, इंसानियत है, उसका विकास हो जाना वास्तव में शिक्षा है, ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी। अब उनके कुछ आधारभूत सिद्धांत काफ़ी सिमिलर होंगे, मिलते हुए मिलेंगे। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चरित्र का गठन, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो, यह हर एक दार्शनिक विचारधाराओं ने कहा है। बालक के समान बालिकाओं को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा की बात की, पुस्तकों से अवरण व्यवहार, आचरण एवं संस्कारों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषय रखने चाहिए। गृह शिक्षा, छात्र आदर की गरिमा बनाए रखें, सभी को शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। नारी शिक्षा, आके बैठते हो तो बैठो आराम से यार। शिक्षा सभी को शिक्षित करना चाहिए। नारी शिक्षा का केंद्र धर्म होना चाहिए। देश के औद्योगिक प्रगति के लिए प्राविधिक शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए, मतलब प्राविधिक शिक्षा का भी प्रयास यहाँ पे विस्तार किया जाए। तो ये बात करी शिक्षा दर्शन के बारे में, शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं, ठीक है, रिपीट होने दीजिए, क्योंकि शिक्षा का सिद्धांत दोस्तों लगभग सबने समान दिया था, कुछ चीज़ें यहाँ पे परिवर्तित हैं, उद्देश्य भी लगभग समान होंगे दोस्तों, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक या बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक चारित्रिक विकास, व्यवसायिक विकास, राष्ट्रीय एकता बंधुता विकास, धार्मिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक विकास, ये उद्देश्य दोस्तों सबके समान होंगे लगभग। ओके चलिए अब इनके अनुसार देख लेते हैं, तो शिक्षा विधि की बात को बोलते हैं, किस तरीके से शिक्षण विधियों के बारे में बात कहा। अनुकरण विधि, देखकर सीखना, व्याख्यान विधि, तर्क एवं विचार विमर्श विधि, निर्देशन एवं परामर्श विधि, प्रदर्शन एवं प्रयोग विधि, स्वाध्याय विधि, योग विधि, ये विधि भी सबका लगभग समान रहा है। तो कोई भी पूछता है आप आराम से ये विधि लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक बात हो गई समाप्त, यहाँ तक आपने देख लिया, शिक्षा के बारे में समझा, शिक्षा के अर्थ संक्षिप्त अर्थ देखा, व्यापक अर्थ देखा, संकीर्ण अर्थ देखा, शिक्षा के आपने अभिकरण देखे, औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक देख लिया आपने, शिक्षा की परिभाषा देख लिया, मानव जीवन के लिए शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है ये आप समझे, शिक्षा और साक्षरता में अंतर समझे। शिक्षा दर्शन, दर्शन का मतलब एक विचारधारा जो दर्शन आपको सोच दिखाती हो, जो उद्देश्य निर्धारित करती हो, जो जरूरतों को बताती हो। शिक्षा दर्शन मतलब दर्शन के सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग शिक्षा दर्शन कहलाता है। तीन प्रमुख शिक्षा दार्शनिक रहे हैं, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर जी। महात्मा गांधी हो या रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो या स्वामी विवेक, इन तीनों ने शिक्षा के उद्देश्यों को क्या माना, ये माना कि शिक्षा के उद्देश्य कैसे हो, शारीरिक विकास करे, मानसिक विकास करे, बौद्धिक आध्यात्मिक विकास करे, सामाजिक विकास करे, नैतिक चरित्र की भावना लाए, राष्ट्रीय एकता लाए, व्यावसायिक विकास करे,
सबने ये चीज़ें शिक्षा के उद्देश्य माने। सिद्धांत में भी लगभग समान उन्होंने रखा था कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सर्वगीण विकास करे। शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा था कि व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए, तो लगभग भी समान उनके क्या रहे हैं, सिद्धांत रहे। विधियों के बारे में ये प्रमुख हो गए। तो मैं आशा करता हूँ इन तीनों में से अगर आपसे कोई एक पूछता है आसानी से आप लिख सकते हैं, शिक्षा के दर्शन के संबंध लिख सकते हैं, शिक्षा से संबंधित चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो कम से कम आपके 3 से 4 सवाल आपके कन्फर्म हो जाते हैं। सेक्शन बी के 2 सवाल कन्फर्म होंगे जब आप पेपर देके आइएगा। मैं ज़रूर यूट्यूब पे आऊँगा, आप वहाँ पे कमेंट में बताएंगे कि 2 सवाल आपको यहाँ तक तो ज़रूर मिल जाएंगे। अब एक और पॉइंट आता है, वो भी दर्शन से आधारित है। जैसे हम दर्शन, जैसे हमने शिक्षा पढ़ा शुरू में, उसके बाद दर्शन पढ़ लिया, अब दर्शन पे एक और आधारित सवाल है, वो है दोस्तों, आइए उसको ज़रा देखते हैं कि वो दर्शन पे क्या है। वो है आदर्शवाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद। ये 3 जो प्रमुख दर्शन है, हम उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यथार्थवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं और देखते हैं आदर्शवाद का अर्थ और परिभाषा क्या होता है। देखिए, आदर्शवाद को अंग्रेजी में हम आइडियलिज्म कहते हैं, और आइडियलिज्म का मतलब आइडिया प्लस इज्म, मतलब विचारवाद। तो आदर्शवाद को दोस्तों हम विचारवाद दर्शन भी कहते हैं। आदर्शवाद का मतलब विचारों का दर्शन, ठीक है। आदर्शवाद के अनुसार सिर्फ विचार ही सत्य हैं, ठीक है। आपकी जो सोच है, आपकी जो विचार है, वही सत्य है। इसके सिवा सत्य का अर्थ स्वरूप और रूप नहीं है। हमारा व्यवहार मस्तिष्क में से ही नियंत्रित होता है, इसलिए मस्तिष्क ही वास्तविक सत्य है। भौतिक शरीर तो इसकी छाया है। मनुष्य वास्तव में आत्मा ही है, शरीर तो केवल इसका कवच मात्र है जो नष्ट हो जाएगा। मनुष्य असल में आत्मा ही का रूप है। आपकी जो आत्मा है वही वास्तविक है, आपके जो विचार हैं वही वास्तविक है, आपकी जो मस्तिष्क है दोस्तों वही वास्तविक है। इसके अलावा ये जो बॉडी, ये शरीर, ये रंग रूप हैं, ये तो एक आवरण है, ये तो इसका कवच है, इसके कोई अस्तित्व नहीं है। आपकी आत्मा का ही, आपके विचार का ही अस्तित्व है। तो आदर्शवाद की ये मान्यता है। अब आदर्शवाद जब ये मानता है दोस्तों, तो आदर्शवाद ये भी मानता है कि इस आदर्शवाद की, चलिए परिभाषा देखेंगे फिर इसके सिद्धांत पर जाएंगे। चलिए पहले इसका मूल सिद्धांत देख लेते हैं। आदर्शवाद ये कहता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, इसकी रचना किसने की है, इसकी रचना ईश्वर ने की है, ठीक है। भौतिक जगत जो हम दुनिया में जी रहे हैं, इसकी अपेक्षा जो आध्यात्मिक जगत है, आत्माओं का जो जगत है, वो श्रेष्ठ है। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, ठीक है। मनुष्य शरीर संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य का विकास उसकी भावात्मिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। यानी कि अगर कोई इंसान भौतिक जीवन में बहुत अच्छा हो गया लेकिन उसे ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका नहीं मालूम, उसका मतलब उसका विकास नहीं हुआ। आदर्शवाद ये कहता है कि मनुष्य का विकास तब होगा जब आपको भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन को भी बेहतर बनाना पड़ेगा। मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है भाई, आत्मानुभूति अथवा ईश्वर को प्राप्त करना है। आध्यात्मिक मूल्यों के प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। जब तक इंसान एक नैतिक व्यक्ति नहीं बनेगा, जब तक एक सच्चा ईमानदार देश प्रेमी व्यक्ति नहीं बनेगा, तब तक वो दोस्तों आध्यात्मिक नहीं बन सकता, तब तक वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये हो गए दोस्तों आध्यात्मिक के कुछ प्रमुख सिद्धांत। आइए परिभाषा को देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये आदर्शवाद पर और बात करेंगे। तो पश्चात विद्वान हेंडरसन के इस नोट पे दी गई अत्यंत विद्वान सहमत है। आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तत्वज्ञानी आदर्शवादी यह विश्वास करता है कि मनुष्य की सीमित मन उस असीमित मन से निकला है। व्यक्ति और यह संसार दोनों बुद्धि विचार की अभिव्यक्ति हैं, और भौतिक संसार की व्याख्या मानसिक संसार के आधार पर की जाती है। मतलब जैसा आपका मानसिक समझ होगा, मानसिक सोच होगा, उसी आधार पर इस भौतिक जगत की आप व्याख्या कर पाएंगे। वास्तव में सत्य क्या है, सत्य ईश्वर है, सत्य आपकी आत्मा है, सत्य परमेश्वर है, यही सत्य है, ये भौतिक जीवन कुछ नहीं है, ये आदर्शवादियों की विचारधारा थी। चलिए सवाल आपसे क्या पूछेगा, सवाल आपसे पूछेगा आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। तो आदर्शवाद के बारे में बताइए कि आदर्शवाद क्या कहता है भाई। विचारवाद है जो विचारों को सत्य मानता है, ईश्वर को सत्य मानता है, आत्मा परमात्मा को सत्य मानता है, अंतिम उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करने को मानता है। आदर्शवाद के बारे में ये चीज़। अब यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने पड़ते हैं जब आदर्शवाद की विशेषताओं में किसी बात की। पहला, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा, ये तीनों चीज़ें क्या है बता, ये तीनों चीज़ें ना दर्शन की शाखाएँ। जैसे मान लीजिए विज्ञान की शाखाएँ होती हैं, वैसे ही दर्शन की भी एक शाखा होती है। दर्शन के जो फिलॉसफी के स्टूडेंट हो गए वो बेहतर समझ पाएंगे, हालांकि मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, मगर मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि ये क्या है भाई, दर्शन की शाखा है।
जिसमें तत्व मीमांसा ये बताती है कि किसी चीज़ का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। ज्ञान मीमांसा ये बताती है कि वास्तविक ज्ञान क्या है उस चीज़ का। मूल्य मीमांसा का मतलब ये है दोस्तों कि जीवन में जीने का मतलब क्या है, या किसी चीज़ का उपयोग का मूल्य क्या है, ठीक है। जैसे इंसान के बारे में बात करूँ तो मेरे लिए तत्व मीमांसा ये है कि मेरी रचना कैसे हुई, ये मेरे लिए तत्व मीमांसा हुई। ज्ञान मीमांसा का मतलब कि मैं ज्ञान कहाँ से प्राप्त करूँगा, मैं ज्ञान प्राप्त कैसे करूँगा, कहाँ से करूँगा, क्या असल ज्ञान है, ये मेरे लिए ज्ञान मीमांसा हो गया। मूल्य मीमांसा मतलब मैं यहाँ क्यों हूँ, क्यों रहना है मुझे, क्या प्राप्त करना है, ये इसकी मूल्य मीमांसा हो गई। तो हम आदर्शवाद की अगर इन तीनों मीमांसाओं की बात करें तो पहला है तत्व मीमांसा। तो आदर्शवाद तत्व मीमांसा के बारे में क्या कहता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसके बारे में बात करेगा। प्लूटो थे दोस्तों, प्लूटो ने कहा कि दो जगत होते हैं, पहला विचारों का जगत, दूसरा वस्तु का जगत है, ठीक है। विचारों एवं अनादि अंत और अपरिवर्तनशील मानते हैं, उनकी सृष्टि में इन विचारों में एक दैवी और नैतिक व्यवस्था होती है हमारे मन में, जिसकी सहायता से ईश्वर जगत का निर्माण करता है। विचारों को नैतिक व्यवस्था में विश्वास करने के कारण उनकी विचारधारा को नैतिक आदर्शवाद कहा जाता है। और वस्तु जगत को उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को किसने रचना किया, ईश्वर ने रचना किया, ठीक है। प्लूटो ने आत्मा को, प्लूटो ने ईश्वर को अंश मानते थे। इनके अनुसार आत्मा इस संसार में आने से पहले विचारों के जगत में रहती थी, इसलिए यहाँ आने के बाद यह विचारों के जगत में वापस जाने के लिए इच्छुक होती है। मतलब उनका मानना था कि आपकी जो आत्मा है वो वास्तव में यहाँ से खुद जाना चाहती है। और इस जगत के बारे में आदर्शवाद ये कहता है कि ये संसार की, इस पृथ्वी की, इस पृथ्वी की, इस वस्तुओं की सभी की रचना किसने की थी, ईश्वर ने की थी। तो ये हो गई इसकी तत्व मीमांसा। अब बात करते हैं ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। ज्ञान एवं तर्क मीमांसा का मतलब बच्चों का ज्ञान क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है। अरे तो आदर्शवाद के ज्ञान मीमांसा के अनुसार दोस्तों चिंतन जन्य ज्ञान ही सत्य है, जो मतलब आपको ईश्वर के प्रति सोच सके, आपके जो सोच को विकसित कर सके, आपके जो आध्यात्मिक जगत को विकसित कर सके, यही ज्ञान सत्य है। वास्तव में आसान शब्दों समझिए कि आदर्शवाद में ज्ञान का मतलब यही होता है कि ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को समझना, ईश्वर को जानना, अपने लक्ष्यों को जानना कि हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि हम ईश्वर को पाने का रास्ता ढूंढ सकें। तो इसी तरीके के ज्ञान को ये ज्ञान मीमांसा यानी कि सत्य ज्ञान मानता है, क्योंकि वह विचारों के रूप में प्राप्त होते हैं और विचार अपने में अपरिवर्तनशील एवं अत्यंत सत्य हैं। आदर्शवाद विचारवाद की बात करती है, तो विचार जो कहता है कि अपरिवर्तनशील है, तो वास्तव में यही क्या है, सत्य है। मूल्य एवं आचार मीमांसा का मतलब मनुष्य का मूल्य क्या है, इस जीवन में रहने का क्या मूल्य है। तो प्लूटो ने अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति के लिए वो तीन सनातन मूल्यों सत्यम शिवम एवं सुंदरम की प्राप्ति को आवश्यक समझते थे। इन मूल्यों को प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन पर बल जीने के लिए बल दिया उन्होंने। नैतिक जीवन के लिए उन्होंने मनुष्य के चार सद्गुण, जैसे कौन से, संयम, धर्म, ज्ञान और न्याय होना आवश्यक है, ठीक है। उनका विश्वास है कि सद्गुण आत्मा के गुण हैं, जो मनुष्य जितना ही अधिक प्राप्त कर लेता है उतना ही अधिक सत्यम शिवम सुंदर को की ओर आगे बढ़ता है, अंत में आत्मानुभूति को वो सफलतापूर्वक पा लेता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए चार दोस्तों, संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय रखिए और एक नैतिक जीवन जिए। नैतिक जीवन अगर आप जीते हैं तो आप एक सत्यम शिवम सुंदर की ओर बढ़ जाते हैं और इस तरीके से आप आध्यात्मिक को प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी बात हो गई आचार मीमांसा की। अब आइए, ठीक वैसे ही आप एक बार देखते चलिए, जैसे आदर्शवाद ने ईश्वर को माना, ईश्वर की अस्तित्व को माना, ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया ये माना, यथार्थवाद ये कहता है कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है भैया। रियलिज्म का मतलब जो वस्तुएं रियल में हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, जो वस्तु में वस्तु हैं, यही सत्य। आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, आत्मा सत्य नहीं है, ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता, ईश्वर सत्य नहीं है, ये मानता है यथार्थवाद। तो यथार्थवाद को अंग्रेजी में रियलिज्म कहते हैं। रियलिज्म दो शब्दों से बना है, रियल प्लस इज्म, इसका मतलब होता है वस्तुवाद अर्थात वस्तुवाद। तो इस प्रकार रियलिज्म का वास्तविक होता है वस्तुवाद, वस्तु मतलब वस्तु से सम्मत। अतः यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वस्तु की वास्तविकता पर बल देता है। यह विचारधारा भौतिकवाद पर आधारित है, भौतिक मतलब सांसारिक, यह केवल भौतिक जगत को ही सत्य मानता है। इस प्रकार यथार्थवाद का सिद्धांत है कि जगत को उसी रूप में स्वीकार करिए जिस रूप में वो दिखाई पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर की कोई बात नहीं, आप जिस रूप में आपको ये इस संसार दिखाई दे रहा है उसी रूप में स्वीकार करिए। चलिए ये हो गई बात भौतिक यथार्थवाद की। यथार्थवाद का एक परिभाषा देख लीजिए कि स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास या सिद्धांत है जो जगत को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे कि हमें दिखाई देता है। अब आइए दोस्तों हम जरा यथार्थवाद के कुछ सिद्धांत देख लेते हैं, यथार्थवाद के सिद्धांत का मतलब क्या है। चलिए तो यथार्थवाद अपने थियरी सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहता है कि ये आंगिक थियरी को मानता है, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज्म थियरी की, मतलब मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ, कोशिकाओं से हुआ, पृथ्वी की ये वस्तु का निर्माण कैसे हुआ, इन चीज़ों को मानता है।
मानव के वर्तमान व व्यवहारिक जीवन पर बल देता है। यथार्थवाद प्रलौकिक मतलब यहाँ से ईश्वर के ये चीज़ों को अस्वीकार करता है, वस्तु जगत को ही मानता है। इंद्रिय ज्ञान ही यथार्थ है, जो आप देख सके सुन सके वही सत्य है। दृश्य जगत यथार्थ है, तो यही चीज़ है, जो आप सुन सके देख सके जान सके यही सत्य है। ये इसके बेसिक सिद्धांत हो गए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक सवाल आता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का मतलब जैसे आदर्शवाद ने आत्मा परमात्मा को माना, यथार्थवाद ने वस्तु को माना। प्रकृतिवाद कहता है जैसे जल सूरज चंद्रमा ये सारी चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें हैं, वैसे भी मनुष्य और संसार ये सारी चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो नेचुरलिज्म को नेचुरिज्म कहते हैं, मतलब प्रकृतिवाद कहते हैं। तो इस प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन प्रकृतिवाद है, ठीक है। प्रकृतिवाद एक व्यवस्था है जो मनुष्य को विशेषताओं के उस सब से बाहर निकाल फेंकता है जो आता है। मतलब प्रकृतिवाद तो घोर विरोधी आध्यात्मिक है, उसका ये मानना है कि भाई ये कोई चीज़ें होती नहीं। देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि आध्यात्मिकता को क्या करता है, वो बाहर निकाल फेंकता है, ठीक है। हमारे अनुभव और मानव तथा प्राकृतिक दर्शन से परे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं दोस्तों, अनुभव से प्राकृतिक से परे हैं। ब्राइस के अनुसार प्राकृतिकवाद एक प्रणाली है जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार करना इसकी प्रमुख विशेषता है। अब आइए, थॉमस और लैग ने कहा था कि प्राकृतिक दर्शन प्राकृतिक आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक और आध्यात्मिक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए, केवल आदर्शवाद ही जो है वो ईश्वर को मानता है, बाकी उसके अलावा प्रकृतिवाद या यथार्थवाद ईश्वर को नहीं मानते। अब यहाँ पे तत्व मीमांसा की अगर हम बात करें, तत्व मीमांसा मतलब निर्माण कैसे हुआ, तो प्रकृतिवाद ये कहता है दोस्तों कि ये जो वस्तुओं का निर्माण हुआ है, जो संसार का निर्माण हुआ है ना, वो किसी ईश्वर ने नहीं बनाया दोस्तों। उनका ये मानना था कि यह परमाणु के सहयोग के फल प्रकृतिवाद बना है, जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं एटम्स होते हैं, इस तरीके से इन सभी चीज़ों का निर्माण हुआ। परमाणु के सतत अनश्वर और अविभाजित मानते हैं, यह परमाणु का आकार एवं मात्र से भिन्न होते हैं, इन्हीं के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना होती है, यह प्रकृतिवाद मानता है। अब इसके ज्ञान मतलब आपको कौन से ज्ञान हासिल करना है, आपको क्या सत्य ज्ञान मानता है, तो इसका मतलब है जो प्रत्यक्ष समर्थन है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो वही सत्य है। यह इंद्रियों तथा अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति पर बल देते हैं, वह इंद्रियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान को ही सत्य मानते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर इस ज्ञान के निम्न स्तर की ज्ञान ऊंचा स्तर को मानते हैं। कहने का मतलब है प्राकृतिकवाद यह हो या यथार्थवाद हो, जो आप देख सके सुन सके समझ सके यही सी यही ज्ञान सत्य मानती है, आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं मानती। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, मूल्य का मतलब क्या है कि इस संसार में खुशी से जी लेना, इस संसार में सुखी से जी लेना, प्राकृतिक से जी लेना, हंसना खाना बोलना यही मानता है प्राकृतिकवाद। ये मानते हैं जैसे पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, एक वर्ष एक उम्र के बाद वो गिर जाते हैं, वैसे मनुष्य जन्म लेता है एक उम्र के बाद खत्म हो जाएगा। इसमें कोई आध्यात्मिकता का मतलब नहीं, इसमें कोई भगवान का मतलब नहीं, आत्मा का कोई मतलब नहीं है, ये बात मानती है प्रकृतिवाद। तो इस तरीके से दोस्तों इसके कुछ सिद्धांत देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये तीनों टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होगा, फिर हम एक तीसरे टॉपिक चलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत। मतलब यह एक ब्रह्मांड प्रकृति की रचना है, यह भौतिक संसार ही सत्य है, मनुष्य संसार का श्रेष्ठम रचना है, मानव विकास प्राकृतिक क्रियाएँ हैं, प्राकृतिक जीवन ही उत्तम है दोस्तों, प्राकृतिक जीवन ही उत्तम। ओके, अब यहाँ दोस्तों ये जो तीनों वाद थे, इसके अलावा एक और वाद है जो कि है प्रयोजनवाद, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी सिमिलर है प्रकृतिवाद से, उसको मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। तो ये तीन वाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, आप इसको एक बार देखिए समझिए और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। अगला पॉइंट, अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं तो ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सवाल तो उसको कन्फर्म मिलेगा। अभी तक आपने तीन सवाल देखे हैं, तीन सवाल आपको आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप एग्जाम देने बैठिएगा ऐसे ही पेपर में आएगा। पहला शिक्षा से संबंधित, दूसरा दोस्तों शिक्षा और दर्शन से संबंधित, जिसमें तीन आपके महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तीसरा पॉइंट ये था आपका वाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और यथार्थवाद, ये तीन वाद हो गए, ठीक है। तो तीन टॉपिक और तीन प्रश्न यहाँ पे आपके समाप्त होते हैं। चौथा प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएगा, लिख के रखिए आएगा, वो है दोस्तों आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की अर्थ क्या है, पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या है, पाठ्यक्रम क्षेत्र विशेषता निर्माण से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है दोस्तों कि पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, अगर आप ब्रेक लेना चाहें तो ले लीजिए, वैसे पढ़ते चलिए, बस देखते चलिए, आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम क्या है भाई, पाठ्यक्रम को हम अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं, करिकुलम लैटिन के क्यूरे शब्द से लिया गया है। क्यूरे का मतलब होता है रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान। तो जिस प्रकार से कोई धावक है मान लीजिए, वो अपने रेस कोर्स के अंतर्गत ही दौड़ता है, उसी के अंतर्गत दौड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही
विद्यार्थी जो हैं अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही रह के शिक्षण के पूरे काम करते हैं। पाठ्यक्रम को आसान से शब्दों में समझिए तो एक पूरा करिकुलम बनाना, एक पूरा फ्रेमवर्क बनाना कि बच्चे सुबह स्कूल कब आएगा, स्कूल से कब जाएगा, उसकी लंच कब होगी, उसकी पढ़ाई कब से कितने घंटे की होगी, कौन से शिक्षक पढ़ाएंगे, इस तमाम सभी चीज़ों का, उनका खेल कूद कब होगा, इन सभी का विवरण, इन सभी को एक निश्चित क्रम में बनाना, यही वास्तव में पाठ्यक्रम कहलाता है। चलिए अब कुछ परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। परिभाषा यहाँ पे कनिंघम ने क्या कहा था, ये मेरा फेवरेट है। जैसे मान लीजिए कोई कलाकार होता है तो कलाकार अपने स्टूडियो में बैठ के वो अपने अपने अपनी इच्छा अनुसार एक चित्र बनाता है, ठीक, और अपने किससे, अपने आर्टिस्ट अपने पेन से या फिर ड्राइंग से बनाता है। तो करिकुलम क्या है, करिकुलम उन्होंने कहा था कि पाठ्यक्रम जो है एक अध्यापक के हाथ में एक वह साधन है जिसके अनुसार वो विद्यार्थियों को अपने आदर्शों के अनुसार क्या करता है, उनको बनाता है, अपने आदर्शों के अनुसार एक चरित्र का निर्माण करता है। तो देखिए पाठ्यक्रम के बारे में उन्होंने कहा था कि करिकुलम के बारे में कि पाठ्यक्रम एक कलाकार यानी अध्यापक के हाथों में एक साधन है जिससे वह पदार्थ यानी कि वस्तु विद्यार्थियों को अपने आदर्श यानी उद्देश्यों के अनुसार जीवन चित्रशाला विद्यालय में चित्रित करता है, मतलब बनाता है। इसके अलावा और भी पाठ्यक्रम के बारे में फ्रॉबेल ने कहा था कि फ्रॉबेल के अनुसार पाठ्यक्रम मनुष्य जाति का संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभवों का सार समझा जाना चाहिए। तो दो तीन आप परिभाषा यहाँ पर याद करेंगे, दो तीन परिभाषाओं को यहाँ पर समझेंगे। तो ये हुई पाठ्यक्रम की परिभाषा के बारे में। पाठ्यक्रम के कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं, ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए और इसको आपको बहुत ज़रूरी से समझना पड़ेगा। सिद्धांत में क्या हो सकते हैं भाई, जब आप पाठ्यक्रम बनाएंगे तो आपके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि उपयोगिता का सिद्धांत, वो पाठ्यक्रम कितना उपयोगी है आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो बच्चों के लिए कितना उपयोगी है, उस पाठ्य विद्यालय के लिए कितना उपयोगी है, शिक्षकों के लिए कितना उपयोगी है, तो क्या लाभ वो पहुँचाएगा बालक के जीवन में, समाज के जीवन में, ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में पहला है उपयोगिता का सिद्धांत, दूसरा है तो प्रगति एवं आदर्श अग्रदर्शित सिद्धांत, मतलब आपका जो पाठ्यक्रम हो वो बच्चों को आगे की तरफ ले जाए, आगे के विषयों से जोड़े, हमेशा आपको आगे की तरफ बढ़ाए। रुझान योग्यता एवं क्षमता का सिद्धांत, मतलब ये ऐसा आपका पाठ्यक्रम हो जो बच्चों की योग्यता क्षमताओं के आधार पर बना हो, बच्चों की रुचियों का ख्याल रखते हुए बना हो। क्रियाशील सिद्धांत का मतलब आपके पाठ्यक्रम में क्रियाशील तत्व जैसे खेलकूद, योगा, व्यवसाय, अंताक्षरी, ये सारी चीज़ें भी शामिल होनी चाहिए आपके पाठ्यक्रम में। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले पर रखिएगा, मैं इसको पहले पर रखना चाहता था लेकिन यहाँ पर बाल केंद्रित सिद्धांत का मतलब जब भी आप पाठ्यक्रम बनाएंगे तो आपका सर्वोपरि बच्चा होना चाहिए, बच्चे को समझना पड़ेगा सबसे पहले उसको क्या फ़ायदा है, बच्चे को ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। लचीलेपन का सिद्धांत का मतलब पाठ्यक्रम में थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए, मतलब पाठ्यक्रम इतना भी स्ट्रिक्ट ना हो कि 7:30 बजे बच्चे को बुलाया है तो 7:30 बजे नहीं आया तो उसको आप भगा देंगे, नहीं भगा सकते। लचीलापन रखिए, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखिए कि चलो भाई 15 मिनट या 20 मिनट तुम इधर उधर हो सकते हो, लेकिन इतना भी लचीला मत करिए कि वो 7:30 की बजाय वो 10 बजे आ रहा है, तो नहीं कर सकते। तो लचीलापन रखिए लेकिन बहुत ज़्यादा लचीलापन भी नहीं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं, तो फ्लेक्सिबल आपको करिकुलम को रखना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों सर्वगीण विकास का सिद्धांत, मतलब वही बात है कि अगर आपको देश प्रेम की भावना भी उनके जागरूक करना है, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक नैतिक, इन सभी चीज़ों का विकास करने वाला आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। चलिए यहाँ पे बात हुई पाठ्यक्रम के सिद्धांत के बारे में। अगला है दोस्तों पाठ्यक्रम के प्रकार। पाठ्यक्रम के प्रकार की बात करें तो बहुत सिमिलर है, विषय केंद्रित या अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम, इस तरीके के पाठ्यक्रम भी होते हैं जो विषय केंद्रित और अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, उद्देश्य केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, सहसंबंध पाठ्यक्रम, कोर करिकुलम और एकाकृत पाठ्यक्रम। अब इसको समझ लीजिए, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम या अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम का मतलब वह पाठ्यक्रम जिसमें विषय या फिर शिक्षक प्रमुख होते हैं, उनकी रुचियों का, उनके पढ़ाने की सुविधाओं का ख्याल रखता है, तो वो विषय केंद्रित या अध्यापक केंद्रित हो गए। जहाँ पे बालक की रुचि क्षमता उनकी योग्यताओं का ख्याल रख के बनाया जाता हो, उस पर विचार करके बनाया जाता हो, तो वो बाल केंद्रित। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम जिसमें क्रियाओं की प्रमुखता हो, क्रिया ज़्यादा उसमें किया जाता हो, जैसे मैं आपसे कह दूँ होटल मैनेजमेंट का कोर्स देखेंगे ना तो ये मोस्टली प्रैक्टिकल ही है, क्रियात्मक ही है कि आपको वहाँ पे जाकर थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको वहाँ पे जाकर बनाना है, कैसे केक कैसे बनेगा, पिज्ज़ा कैसे बनेगा या फिर और भी चीज़ें डिशेज कैसे बनेंगी, ये आपको वहाँ पे सीखना है। उद्देश्य केंद्रित पाठ्यक्रम मतलब हर एक पाठ्यक्रम के उद्देश्य निर्धारित होता है कि आपको इस उद्देश्य के लिए पढ़ना है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम मतलब जो बच्चों के अनुभव को जोड़ के चलता हो, अनुभव करना सिखाता हो। सहसंबंध पाठ्यक्रम का मतलब एक ऐसा पाठ्यक्रम जो दूसरे विषयों के साथ भी संबंध रखता हो। कोर करिकुलम मतलब कुछ फिक्स करिकुलम होता है, जैसे हिंदी आपका कोर सब्जेक्ट है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो नॉलेज एंड करिकुलम आपका कोर सब्जेक्ट है, तो कुछ करिकुलम ऐसे होते हैं जो सबको पढ़ने, जैसे मोस्टली अगर आप आएंगे
जैसे सेकेंड ईयर में, आपके सेकेंड ईयर के बीएड सेकेंड ईयर में सबका दोस्तों सिलेबस सेम है, वहाँ पे आपको ऑप्शनल नहीं है, तो वो एक कोर करिकुलम का हिस्सा है। एकाकृत पाठ्यक्रम कुछ पाठ्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें आपको संपूर्ण चीज़ें रखी जाती हैं, उसमें हिंदी इंग्लिश फिजिक्स साइंस सारी चीज़ें रखी जाती हैं, इस तरीके के पाठ्यक्रम को एकाकृत पाठ्यक्रम कहते हैं। तो आपको इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है, पॉइंट अपने ध्यान में रखिएगा, पॉइंट यहाँ पे सामने रहेगा तो एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की यूटिलिटी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो पाठ्यक्रम की यूटिलिटी की बात करें तो बहुत हद तक ये वैसे ही सिमिलर जैसे शिक्षा, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मान लीजिए खेल कूद रखते हैं या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं, तो इससे क्या होता है सांस्कृतिक का स्थानांतरण होता है, उसका विकास होता है, बालक के नैतिक चरित्र के विकास, बालक की मानसिक शक्तियों का विकास, बालक की रचनात्मक सृजनात्मक शक्ति का विकास, बालक के गतिशील लचीले मस्तिष्क का निर्माण, खोज प्रवृत्ति को बढ़ाना, बालक उनके भावी जीवन के लिए तैयार करना, शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करना, बालक की क्षमता योग्यता रुचियों का विकास करना, ये दोस्तों इसका उपयोग कह लीजिए, महत्व कह लीजिए या फिर इसका उद्देश्य कह लीजिए। तो ये हो गया तो पाठ्यक्रम में बस इतना ही था। एक और पॉइंट देख लीजिए, पाठ्यक्रम में अगर हम सोपान की बात करें कि पाठ्यक्रम के कितने स्टेजेस होते हैं, कितने प्रोसेस चलते हैं, तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले आपको शैक्षिक अवस्थाओं की आवश्यकताओं की पहचान करनी है, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना है, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना है, अधिगम अनुभवों का चयन संगठन, लास्ट में मूल्यांकन करना है। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम को हमको थोड़ा समराइज करने दीजिए, समझने दीजिए। देखिए पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों, आसान से शब्दों में कहें, कोई बच्चा कब आएगा, कब जाएगा, क्या पढ़ेगा, उसके कितने सब्जेक्ट्स होंगे, कितने पीरियड होंगे, कब उसका कब फर्स्ट क्लास होगा, कब सेकंड क्लास होगा, कब लंच होगा, कब, ये सारी चीज़ें कौन निर्धारित करता है, आपका पाठ्यक्रम पूरा संपूर्ण जो है करिकुलम करता है। अब करिकुलम को अगर आप लिखने की बात करें तो करिकुलम को पाठ्यक्रम को हिंदी अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। क्यूरे शब्द से बना है, क्यूरे का मतलब रेस कोर्स यानी कि दौड़ का मैदान। जिस प्रकार से एक धावक एक रेस कोर्स के अंतर्गत ही रह के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक या से विद्यार्थी उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही रहकर अपने शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम की परिभाषा आपने कनिंघम को देख लिया कि जिस प्रकार से एक, अब पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत की बात करें, आपको देखना है उपयोगिता का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, कोर करें, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। पाठ्यक्रम के अगर हम प्रकार की बात करें फिर वहीं पे आता है अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, कोर करिकुलम एकाकृत और आगे की विषयों के साथ सहसंबंध का सिद्धांत, एक्टिविटीज़ का थ्योरी मतलब क्रियात्मक उसमें सिद्धांत होने चाहिए, प्रैक्टिकल्स होने चाहिए। तो ये बात हो गई उसके प्रकार के बारे में। लास्ट में आप देखेंगे पाठ्यक्रम के सोपान। अब इसके अंतर्गत आपके पास क्या हुआ, इस वीडियो का मतलब एक से मकसद ये है कि एक आपकी वोकैब्स अच्छी हो जाए, आपको सारे पॉइंट एक बार ध्यान में आ जाए। बस पॉइंट ध्यान में आ गया तो कल कलम उठाइए, लिखते जाइए, टीचर भी कहेगा वाह क्या बच्चा पूरी साल मेहनत करे, ऐसा लिख के आइए कि टीचर को लगे कि 365 दिन बच्चा मेहनत करके आया है, बाकी हकीकत तो आप बखूबी जानते हैं। तो चलिए आइए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक आपने क्या क्या समझा, देखिए क्या याद है डजंट मैटर, क्योंकि याद दोस्तों रखना इतना आसान नहीं, कोई भी अगर मुझसे कोई कहे एज इट इज़ बताने के लिए तो मैं भी, लेकिन आप समझ गए हैं ना कि शिक्षा के बारे में आपको क्या लिखना है, शिक्षा के परिभाषा के बारे में आपको क्या लिखना है। शिक्षा के अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि शिक्षा के दो अर्थ बताइए, व्यापक अर्थ, संकीर्ण अर्थ, क्या आप नहीं बताते संकीर्ण अर्थ वो कहता है कि शिक्षा जो स्कूल में दी जाती हो, व्यापक अर्थ ये कहता है कि बच्चा कहीं से सीख सकता है, बता सकते हैं। मैं आपसे कह दूं कि शिक्षा के बारे में आप अभिकरण बताइए कि शिक्षा अभिकरण क्या है, एजेंसीज क्या होती है और कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह देंगे कि अभिकरण का मतलब वह स्थान, वह कारक या वह तत्व जो बच्चों के शैक्षिक को प्रभावित करते हैं। अब तीन एजेंसी हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। औपचारिक का मतलब जहाँ पर औपचारिक रूप से फॉर्मली स्कूल में विद्यालय में शिक्षा दी जाती हो, अनौपचारिक का मतलब समाज, मित्र मंडली, ये सारी चीज़ें अनौपचारिक हो गई। दूरस्थ शिक्षा, ओपन यूनिवर्सिटीज़, वृद्धा शिक्षा, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, नॉन फॉर्मल में हो गई, मतलब निरौपचारिक, ये दोनों के बीच की कड़ी है जो दोनों को जोड़ता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर आपने क्या देखा था, आपने देखा था शिक्षा दर्शन। दर्शन क्या है भाई, दर्शन एक दृष्टिकोण है, विचारधारा है और शिक्षा में दर्शन के संप्रत्ययों का उपयोग, दर्शन के सिद्धांतों का उपयोग, दर्शन की परिभाषाओं का उपयोग, दर्शन के विचार का उपयोग, शिक्षा में शिक्षा दर्शन कहलाता है। दर्शन क्या करता है भाई, दर्शन सोच निर्धारित करता है, शिक्षा उसका क्रियात्मक, उसका व्यवहारिक रूप देता है, ठीक है। तो ये हुए बात शिक्षा और दर्शन के बारे में। अब ये जो आपने अभी महात्मा गांधी को पढ़ा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ा था और स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा था, इनके शिक्षा के उद्देश्य क्या थे भाई, सार्वजनिक विकास थे, नैतिक विकास था, चारित्रिक विकास था, आध्यात्मिक विकास था, व्यवहारिक शिक्षा था, देश प्रेम की भावना पर बल था उनका, और उनकी उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करी, उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने की बात करी, सबको शिक्षा देने की बात करी। यही वो तो सारे पॉइंट है जिसके आधार पर आपको लिखना है एज इट इज़, बस आप हेडिंग डाल दीजिएगा एक बार कि
महात्मा गांधी यूनिवर्सल शिक्षा का उद्देश्य, फिर उसके बाद देखिए कितने पॉइंट आप ये वीडियो आपके लिए बहुत सहायक है, आप इस बात को यकीन करिए, बस देखते हुए चलिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपका। अब हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, यहाँ से अब जो आप पढ़ेंगे ना वो बहुत आसान से टॉपिक पढ़ेंगे। अब तक जो आपने पढ़ा था अगर यहाँ समझ में आ गया तो इसके बाद अगर आप ना भी पढ़ें तब भी आपको, मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप यहाँ तक समझ गए तो आगे मत देखिए, क्योंकि आगे के जो पॉइंट है वो बहुत ही आसान है, आप आसानी से करते हुए चले जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है, सवाल जरूर पूछा जाएगा। जैसे एक सवाल यहाँ पर यह है कि पाठ्यक्रम अच्छी पाठ्यपुस्तक, एक अच्छे पाठ्यपुस्तक यानी टेक्स्ट बुक की क्वालिटी बताइए, विशेषता बताइए। तो फटाफट से कोई जरूरी है कि हम पॉइंट में ही देखेंगे, एक अच्छी किताब कैसी होनी चाहिए, वो बहुत महंगा ना हो, बहुत मोटा ना हो और आसानी से ले जाने हो, उसमें प्रिंटिंग अच्छा हो, उसका कवर अच्छा हो, उसमें समय समय पर चित्र प्रस्तुत किए गए हों, वो अच्छे विद्वान के द्वारा लिखे गए हों, एक अनुभव व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हों और वो मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, उसकी विश्वसनीयता, उसकी वैधता हो, ये सारी चीज़ें एक अच्छी किताबों की स्पेशलिटीज़ हो गई, उसकी विशेषताएँ हो गई, ठीक है। अनुभवों को रखा गया हो, क्रियात्मक को रखा गया हो, गृह कार्य करने के लिए दिया गया हो उस किताब में, ये बात हो गई एक अच्छे पाठ्यपुस्तक की विशेषताएँ। अब जैसे मान लीजिए उसकी छपाई अच्छी हो, उसमें रेखा चित्र अच्छे दिए गए हो, चित्र अच्छा दिया गया दोस्तों, पाठ्यक्रम के सभी अंगों को लिखा गया हो, प्रश्न वैज्ञानिक रूप से सत्य हो, प्रश्न भी सत्य हो, प्रिंटिंग भी सत्य हो दोस्तों, उसकी पुस्तक क्रियात्मक लिए हो, उसकी साइज और शेप्स ठीक हो दोस्तों, समय पर आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधित किया गया हो, आसान शब्दों में लिखे गए हो, छात्रों को आसानी से मिल सके, उसमें गृह कार्य दिया गया हो, कक्षा कार्य दिया गया हो, ये सारी चीज़ें दी गई हो, तो इस तरीके की किताब को आप एक अच्छी किताब मानेंगे। अब ये सवाल आपसे पूछता है, आप इसको आसानी से लिख लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। एक और पॉइंट यहाँ पे बचा है जिसको वैदिक काल, बौद्धिक काल और मुस्लिम काल कहते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले कुछ आसान से पॉइंट हैं, हम उसको समझेंगे, ठीक है। उसमें हम यहाँ पे दोस्तों आपको समझेंगे समाज, समाजीकरण, सामाजिक परिप्रेक्ष्य जो होता है ना, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब आइए बात करते हैं एक बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है दोस्तों शैक्षिक समाजशास्त्र, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, जिसे सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता है। देखिए समाजशास्त्र मतलब होता है समाज, समाज के बारे में जानना, शैक्षिक समाजशास्त्र का मतलब समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। शैक्षिक समाजशास्त्र एजुकेशनल साइको सोशियोलॉजी शिक्षा और समाज दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समाजशास्त्र में शिक्षा या शिक्षा में समाजशास्त्र। जॉर्ज पैनी को शैक्षिक समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। शिक्षा में समाज के गुणों एवं उसके तत्वों को सम्मिलित करके जिस शिक्षा का निर्माण होता है उसे हम शैक्षिक समाजशास्त्र कहते हैं, यानी शिक्षा में समाज के गुणों एवं तत्वों का सम्मिलित करके जिस शिक्षा का आप निर्माण करते हैं उसे शैक्षिक समाजशास्त्र कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिए दोस्तों, हैंसन ने कहा था उनके अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाज के बीच के संबंधों का वर्णन है, कि शिक्षा और समाज के बीच क्या संबंध है। ब्राउन ने कहा था कि शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति तथा उसके सांस्कृतिक वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है, और बेस्ट परिभाषा आपको यहाँ से मिल जाएगा जो 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 कि इनके प्रवर्तक माने जाते हैं जैन प्याजे जॉर्ज पाइने, उन्होंने कहते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र से हमारा अर्थ उस विज्ञान से है जो संस्थाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक क्रम क्रियाओं अर्थात सामाजिक संबंधों जिनमें तथा जिनके द्वारा अपने व्यक्ति अनुभवों को प्राप्त करता है और संगठित करता है, इन सभी का क्या करता है दोस्तों अध्ययन है, वही दोस्तों वास्तव में शैक्षिक समाजशास्त्र है, यही वास्तव में सही। अब यहाँ पे आइए, शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रकृति को हम जानते हैं, शैक्षिक समाज की प्रकृति की बात करें या शैक्षिक समाज के उद्देश्य की बात करें, लगभग आपको यहाँ पे समान मिलेगा। शैक्षिक समाजशास्त्र का उद्देश्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो विद्यालय को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना, कि भाई कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विद्यालय को प्रभावित कर सकते हैं, सामाजिक कार्य का अध्ययन करते हुए व्यक्ति पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को समझना, सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को समझते हुए कार्य करना और इनको समझते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना, नियोजन करना, समाज के संदर्भ में शैक्षिक कार्य का ज्ञान प्राप्त करना और सामाजिक प्रकृति के दृष्टिकोण से, इसको सब छोड़िए, कहने का मतलब ये है दोस्तों शैक्षिक समाजशास्त्र का उद्देश्य ये है शिक्षा में समाजशास्त्र के संपत्तियों का उपयोग या फिर शिक्षा और समाज के आपस में अध्ययन। अब जब आप समाज को जानेंगे, समाज को समझेंगे, तो आप समाज के आधार पर पाठ्यक्रम बनाएंगे, समाज में चल रही बुराइयों को रोकने की कोशिश करेंगे, एक बेहतर समाज के निर्माण करेंगे, लोकतांत्रिक जो भी सिद्धांत हैं, न्याय करना, प्रेम करना, समानता रखना, इन चीज़ों को बताएंगे। तो शिक्षा के माध्यम से समाज को बेहतर बनाना और समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसके अनुसार शिक्षा को बेहतर बनाना, ये शैक्षिक समाजशास्त्र कराता है। और शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य का मतलब समाज को, जैसे मैंने बताया कि समाज के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना, समाज के आधार पर शिक्षण विधि का निर्माण करना और शिक्षा से समाज को बेहतर बनाना, शिक्षा से समाज में चल रही बुराइयों को दूर करना, शिक्षा से समाज को परिवर्तन करना, पूरे समाज को शिक्षित बनाना, ये इसका उद्देश्य हो गया। अब आइए बात कर रहे थे शिक्षा से समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में। तो इसकी प्रकृति क्या है भाई, ये दोस्तों समाजशास्त्र सामाजिक सिद्धांतों पे होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों, समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र की एक शाखा है,
या समाजशास्त्र के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र समाज और शिक्षा का परस्पर संबंध वैज्ञानिक अध्ययन है। दोस्तों समाजशास्त्र सकारात्मक दर्शन को प्रभावित करता है। शैक्षिक औपचारिक अनौपचारिक और शैक्षिक परिस्थितियों को सामाजिक प्रक्रियाओं सामाजिक प्रतिमानों और सामाजिक शास्त्रीय समस्याओं का भी अध्ययन करता है। जो भी हमारी प्रक्रियाएं हैं जो भी हमारी प्रतिमान है उनका अध्ययन करता है शैक्षिक समाजशास्त्र। ये इसकी प्रकृति हो गई, ये उसका उद्देश्य हो गया। अब आइए समाजशास्त्र का जीवन में महत्व की बात कर लेते हैं। वहाँ पे रहता था ये सो अब हम बात कर लेते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र की आवश्यकता एवं महत्व का। तो जब आप समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं क्यों करते हैं भैया, आइए जरा देखते हैं क्या महत्व है। शिक्षा का कार्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वगीण विकास करना है। तो बालक का विकास समाज से अलग करके नहीं कर सकते, तो बालक का विकास शून्य में नहीं कर सकते। विकास हमेशा सामाजिक संदर्भों को प्रभावित करता है। बच्चा कैसे सीखेगा कैसा पढ़ेगा इस पर विकास का मतलब समाज का बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है। तो बालक के विकास पर उसके परिवार विद्यालय समुदाय संस्कृति आदि का प्रभाव पड़ता है। शैक्षिक समाजशास्त्र इन सभी का अध्ययन होता है। शैक्षिक समाजशास्त्र की आवश्यकता एवं महत्व को इन बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। जैसे कौन सी बिंदु है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना कितना इम्पोर्टेंट है, शैक्षिक समाजशास्त्र का कितना महत्व है। शैक्षिक समाजशास्त्र में सामाजिक समस्याओं को समझते हुए शिक्षा के पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षण विधियों के निर्माण में सहायक होता है। तो ये वो सारे पॉइंट हैं जैसे कि वो पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे करना है, कौन सी विधि से आपको पढ़ाना है, कौन सी शिक्षक सहायक सामग्री आपके लिए उपयोग करना है। शैक्षिक समाजशास्त्र विद्यालय को समाज के साथ जोड़ता है। शैक्षिक समाजशास्त्र आवश्यकताओं एवं समस्याओं का अध्ययन करता है, तत्पश्चात शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करता है। हर जगह के कुछ अलग अलग उद्देश्य होते हैं, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे जहाँ पे क्राइम ज़्यादा है वहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य होगा उस क्राइम को कम करना, जहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है वहाँ पे उद्देश्य होगा कि वहाँ पे रोजगार के अवसर प्राप्त करना। तो उस समाज में उस शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं इसका निर्धारण करना। शैक्षिक समाजशास्त्र की सहायता से शिक्षा की अवधारणाओं को समझने में सहायता मिलती है। शैक्षिक समाजशास्त्र की सहायता से विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है, जिसे यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपनी अहम भूमिका निर्वहन करती है। अहम भूमिका से दोस्तों एक अगला पॉइंट आपके लिए आता है, वो है समाजीकरण। समाजीकरण को बस यूँ समझ लीजिए, यह एक प्रक्रिया है जो मनुष्य को सामाजिक बनाती है, मनुष्य को सामाजिक बनाती है। तो ये प्रक्रिया है, ठीक है। अब समाजीकरण के अर्थ की बात करें तो समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक प्राण मतलब जीवित वस्तु जैसे हम आप सामाजिक गुणों का विकास होता है। हमारे अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है, वह सामाजिक प्राणी बनता है। इस प्रक्रिया से क्या होगा भाई, इस प्रक्रिया द्वारा समाज और संस्कृति के बीच में रहकर साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखा जाता है, कैसे समाज में रहना है, अतः इसे सीखने की प्रक्रिया भी कहते हैं। समाजीकरण द्वारा संस्कृति सभ्यता तथा अन्य अनगिनत विशेषताओं का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। जब व्यक्ति सामाजिक होता है, सामाजिक का मतलब जैसे मान लीजिए कोई त्यौहार हो गया, कोई रिवाज हो गई, कोई रीति हो गई, कुछ मनाने, अब हमें नहीं मनाना है, अगर हम नहीं मनाएं आप नहीं मनाएं, ऐसे करते करते क्या होगा, वो रीति वो रिवाज वो संस्कृति खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सामाजिक इंसान जब रहता है समाज में चीज़ों को लेकर चलता है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी होता रहता है। तो समाजीकरण क्या है भाई, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक बनाती है, व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है, समाज के जो गुण होते हैं उनको सिखाती है। अब समाजीकरण की कुछ विशेषताएँ देख लेते हैं भाई। समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, आपने देखा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आप आज सामाजिक हो गए तो कल इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कल भी इसकी ज़रूरत है। अनुकरण से प्रभावित होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना देख के सीखते हैं, तो अनुकरण से समाजीकरण क्या होता है प्रभावित होता है। आत्मसात की प्रक्रिया है, संबंध बनाने की प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया सापेक्षित होती है, मतलब दिखाई दे सकती है, ठीक है, कि वो ऐसा कर रहे हैं हम ऐसा करेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया समय और स्थान के साथ सापेक्ष करती है, जो जिस समय जो चीज़ें होंगी उस हिसाब से समाजीकरण, जो स्थान पर जो चीज़ें होंगी उस पर सापेक्षित होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति का स्थानांतरण होता है। तो ये हो गई समाजीकरण की विशेषताएं। मैंने कहा था आपसे कि छोटे छोटे पॉइंट होंगे जिसको हमें क्या करना है दोस्तों, देखते हुए चलना है, और देखते हुए चलते चलते आपका इस तरीके से शिक्षा आपका वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला पॉइंट एक और देख लीजिए, शिक्षा एवं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मॉडर्नाइजेशन अगर आप देखें, आधुनिकीकरण दोस्तों एक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है जिसका तात्पर्य विज्ञान व तकनीकी पर आधारित समाज की प्रक्रिया में परिवर्तन लाना है। विज्ञान और तकनीक के आधार पर समाज की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन लाना है, तो आधुनिकीकरण भी एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। शैक्षिक विकास के साथ आधुनिकीकरण प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। जैसे जैसे शिक्षा आपका डेवलप होगा विकसित होगा, वैसे ही आपके समाज आपका देश मॉडर्न होता जाएगा।
इसका उद्देश्य जन साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। औद्योगिक और आर्थिक विकास के माध्यम से आधुनिकीकरण का आशय है, गतिशील है। ये क्या दोस्तों, गतिशील एक चीज़ है जो कि हमें शिक्षा के माध्यम से हम इसको समाज को और मॉडर्न करते हैं। तो कहने का मतलब, आधुनिकीकरण से आपसे सवाल पूछा जाता है, एक नंबर दो नंबर में अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। तो आधुनिकीकरण को बस इतना समझिए कि ये एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिस जो विज्ञान और तकनीक पर आधारित होती है। शिक्षा से ये जुड़ा हुआ होता है। शिक्षा आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के माध्यम से हम समाज को, देश को, राष्ट्र को और आधुनिक बना सकते हैं। ओके, अब श्यामचरण दुबे जी कहते हैं कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले से चली आ रही व्यवस्था को तकनीकी के माध्यम से उसमें परिवर्तन लाया जाता है। पहले से चली आ रही व्यवस्था क्या थी पढ़ाई की? पहले मान लीजिए सबसे पहले गुरुकुल में पढ़ाई हुई, फिर मठ विहारों में पढ़ाई हुई, मदरसे मकतब में पढ़ाई हुई, फिर स्कूल खुले, फिर नए नए विश्वविद्यालय खुले, अब मॉडर्न स्कूल्स आ गया, मॉडर्न क्लासरूम हो गया, ऑनलाइन कोर्सेस हो गए। तो क्या है भाई, शिक्षा के माध्यम में भी पुरानी से, पहले से जो चली आ रही व्यवस्थाएं थी उसमें टेक्नोलॉजी ऐड कर करके उसको परिवर्तन किया गया भाई। यही वास्तव में क्या, आधुनिकीकरण। दूसरे शब्दों में बात करें, पहले लोग ऊँट पे चलते थे, घोड़े पे चलते थे, फिर अब धीरे धीरे फिर साइकिल आया, कार आया, गाड़ी आई, रेल आया, ट्रेन आया, फ्लाइट आ गई, अभी चंद्रयान आ रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, मॉडर्नाइजेशन होती है। पुरानी से चली आ रही प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर परिवर्तन करना। अब आइए इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं भाई। मॉडर्नाइजेशन चलती रहती है। आज जो मॉडर्न है हो सकता है वो कल को मॉडर्न नहीं रहेगा। आधुनिकीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। एक दिन में कोई आधुनिक मॉडर्न नहीं बन जाता कोई देश, कोई समाज, कोई। यह एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है दोस्तों। यह गतिशील एवं अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए आप ने मॉडर्न बन गए, जैसे मान लीजिए आप गुरुकुल से यहाँ पे आ गए, मतलब आपने पहले की चीज़ों को छोड़, अब फिर वापस उसमें नहीं जा सकते। इसके अंतर्गत तकनीकी विधियों का प्रयोग किया जाता है, नए नए परिवर्तन का सूर्योदय होता है, या नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दिशाओं में अग्रसर होते हैं। मॉडर्नाइजेशन का ये भी एक उदाहरण है कि लोगों ने एटॉमिक बम बना लिया, ठीक है, तो ये नकारात्मक हो गया। सकारात्मक भी कह सकते हैं कि कोई हम पे हमला ना करे, हम इससे सुरक्षा कर सकते हैं। चलिए अब एक सवाल आता है दोस्तों, शिक्षा का रोल ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्नाइजेशन, शिक्षा का क्या भूमिका है? तो शिक्षा द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है जो आधुनिकीकरण का साधन है। भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए तभी मॉडर्न हो पाएगा समाज। शिक्षा में ही नवीनतम जानकारी प्राप्त होगी जो आधुनिकीकरण में सहायक होगा। अगर कोई मॉडर्न चीज़ बन रही है, जहाज कैसे उड़ रहा है, इन सब चीज़ों को शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा व्यापक दृष्टिकोण दृष्टि से विकास करने में सहायता करती है जिससे आधुनिकीकरण अपनाने में आसानी होता है। आधुनिकीकरण को सही अपनाने के लिए कुशल नेता होना आवश्यक है और इसके लिए शिक्षा ही एकमात्र साधन है। कृषि, चिकित्सा, उद्योग, प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य है जिससे आधुनिकीकरण में मदद मिलती है। जैसे जैसे मॉडर्न आपके पास किसान होंगे, मॉडर्न डॉक्टर होंगे, उद्योग होगा, तभी तो आपका देश आगे बढ़ेगा। और इन चीज़ों को कौन प्रदान करता है दोस्तों? शिक्षा ही प्रदान करती है। आधुनिकीकरण के पुराने मूल्यों को भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मॉडर्न हो गए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मॉडर्न कपड़े पहनने लगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप पुरानी की जो कपड़े व्यवस्थाएं हैं उसको आप हीन समझें, भूल जाएं, उनको बुरा भला कहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षा ही वो साधन है जिससे आधुनिकीकरण के साथ हमें पुराने मूल्यों को जोड़े रखता है, ठीक है। तो चलिए कुछ और पॉइंट है दोस्तों, छोटे छोटे पॉइंट होंगे, उसको हम देखते हुए चलेंगे और फिर इसी प्रकार से आपके सब्जेक्ट को समाप्त करेंगे। एक और पॉइंट देख लीजिए जिसको कहते हैं आधुनिकीकरण शिक्षा के उद्देश्य। उद्देश्य बिल्कुल आसान है दोस्तों। शिक्षा विद्यार्थियों का आधुनिकीकरण अगर मॉडर्नाइजेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपको मॉडर्न बनना है, तो उसका क्या फ़ायदा है भाई? उनके अंदर एक लॉजिकल रीजनिंग चिंतन का विकास होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, नेतृत्व गुणों का विकास होगा, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, बौद्धिक क्षमता और कौशलों का विकास, प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास, सामाजिक परिवर्तन प्रोत्साहन, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। ये वो सारे पॉइंट हैं जिसको आपको अपनी सोच और समझ से लिखना है। ये हो गई बात दोस्तों आधुनिकीकरण के उद्देश्यों की। निष्कर्ष पर चल लेते हैं भाई। निष्कर्ष पर चलने के बाद हम दूसरी एक टॉपिक देखेंगे। पूरे आधुनिकीकरण का निष्कर्ष अगर आप करेंगे तो क्या भाई, आधुनिकीकरण एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। अर्थात जब समाज आधुनिक होता है तो प्राचीन व्यवस्थाओं से उसका संबंध टूटता जाता है और नई व्यवस्थाओं का निर्माण होता है। आधुनिकीकरण एक क्रमिक क्रम में चलने वाली, मंद गति से और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण का प्रमुख लक्षण विज्ञान और तकनीकी का विकास है। आधुनिकीकरण के इस अभिधारणा में शिक्षा अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ है। शिक्षा आधुनिकीकरण के लिए दशाएं एवं वातावरण तैयार करती है। यह सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण की गति को तीव्र बनाती है। कौन? शिक्षा। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन व आधुनिकीकरण की सुरक्षा करती है, सामाजिक परिवर्तन व आधुनिकीकरण में दुष्प्रभाव से रोकती है। तो ये हो गई बात आधुनिकीकरण के निष्कर्ष की।
समझते हुए चलिए, देखते हुए चलिए, एक दो बार और आप पढ़ लेंगे, नहीं भी पढ़ेंगे समझ जाएंगे ना। मुझे इतना यकीन है दोस्तों कि इस वीडियो अगर आप देख रहे हैं आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है तो आपके शब्द ज्ञान बढ़ेंगे, वोकैब्स बढ़ेगा, और जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको वही चीज़ें जो याद आएंगी ना वही हैं। मेरा खुद का अनुभव है भाई कि जब आप पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में एज इट इज़ याद नहीं आ पाता है, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपने जो समझा उसी को लिखना पड़ता है, ठीक है। एक और पॉइंट देखते हुए चलेंगे जो है संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति की अर्थ परिभाषा की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा समान अर्थों में संस्कृति शब्द का प्रयोग है सुसंस्कृत या संस्कार के लिए किया जाता है। सुसंस्कृत मतलब सुसंस्कृत, संस्कार अच्छे संस्कार होना, संस्कृति का मतलब संस्कृति संस्कृत भाषा के संस्कार से बना है, अर्थात जिसका अर्थ है कि कुछ तत्वों की पूर्ति करना अथवा उन्हें संपन्न करना। इस प्रकार से संस्कृति का अर्थ हुआ विभिन्न संस्कारों द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करना। आपके संस्कारों के साथ आप सामूहिक जीवन, यही आपकी संस्कृति कहलाती है। जैसे किसी की भी जो संस्कृति हो, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति, इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक संस्कार के साथ। अगर वही नहीं कहते कि इसके संस्कार सही, मतलब इसकी संस्कृति सही नहीं, तो एक अच्छे संस्कार के साथ सामूहिक जीवन, सबके साथ जीवन जीना और जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करना, यही वास्तव में क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाता है, यही संस्कृति का अर्थ कहलाता है। इसकी कुछ परिभाषा देखें, रॉसक ने कहा था कि संस्कृति की साधारण परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि किसी विशेष समय पर, जैसे मान लीजिए इस समय किसी विशेष स्थान में निवास करने वाले विशेष व्यक्तियों के जीवन व्यतीत करने की सामूहिक विधि। जैसे इस विषय में, इस समय में यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग किस तरीके से जीते हैं, ये उनकी अपनी संस्कृति हुई। हिंदू समाज के लोग किस तरीके से जीते हैं, ये उनकी अपनी संस्कृति हुई। तो सबकी अपनी संस्कृति, संस्कृति का मतलब कि किसी विशेष समय में विशेष स्थान पर सामूहिक जीने की विधि क्या कहलाती है दोस्तों, संस्कृति कहलाती है। ये कहा था किसने, रॉसक ने कहा था। टॉलर ने क्या कहा था दोस्तों, संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान विश्वास कला नैतिकता नियम रिवाज और समाज के सदस्यों के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित की जाने वाली योग्यताएं एवं आदतें शामिल हैं। किसी व्यक्ति या समूह की या समाज की क्या उनकी मान्यताएं हैं, रिवाज हैं, ज्ञान है, उनकी कला है, नैतिकता, इन सब को क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाता है, ये टॉयलर ने कहा था। तो कोई भी एक दो परिभाषा जो आपको सही लगे आप उसको यहाँ पर नोट करेंगे। संस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ देख लेते हैं दोस्तों, ये धर्म पर आस्था रहती है, संयुक्त परिवार, भारतीय संस्कृति, सॉरी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं धर्म पे आस्था, संयुक्त परिवार प्रथा, विभिन्नता में एकता, हमारी सबसे खूबसूरत संस्कृति, अतिथि की सेवा करना, शांति व अहिंसा का सिद्धांत, विश्व बंधुता का सिद्धांत, दोस्तों ये हमारे प्रमुख भारत की संस्कृति है, ठीक है। चलिए शिक्षा और संस्कृति में संबंध देख लेते हैं, उसके बाद एक और टॉपिक बनेगा, उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। चलिए शिक्षा और संस्कृति देख लेते हैं। शिक्षा और संस्कृति का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। यदि किसी समाज की शिक्षा में कोई विशेषता मिलती है तो उसका एकमात्र कारण है कि उस समाज की संस्कृति है। वस्तुतः तो प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप ही शिक्षा व्यवस्था हासिल करता है। शिक्षा निम्न प्रकार से संस्कृति को सहायता करती है, कौन से निम्न वो प्रकार हैं आइए जरा देख लेते हैं। संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता, हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है दोस्तों, उसको क्या करना है, ट्रांसफ़र करने में सहायता करती है शिक्षा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बनाए उसको हमको जानने में या सीखने में। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक समाज से बिलोंग करता है तो वो दूसरे समाज को कैसे जानेगा, शिक्षा के माध्यम से जानेगा। कोई अपनी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएगा दोस्तों, ये शिक्षा के माध्यम से ही बनाएगा, ठीक है। व्यक्तित्व के विकास में सहयोग करता है दोस्तों, ठीक, बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञान, हर एक संस्कृति सभ्यता यही कहती है दोस्तों कि आपको झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, सबसे प्रेम करना है, इंसानियत रखना है, मानवता रखना है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से शिक्षा क्या करता है, इन सारी चीज़ों का निर्माण करता है। अब आइए अगला देख लेते हैं, संस्कृति के निरंतरता में सहायता, इसको जारी रखने में, कहीं ऐसा ना हो कि एक कोई सभ्यता या कोई संस्कृति आज खत्म हो जाती है, इस चीज़ को जारी, इतिहास से चले वाली चीज़ों को जारी रखने में, निरंतरता रखने में शिक्षा सहायक करता है। शिक्षा में संस्कृति का समावेश, सच्चे अर्थ में शिक्षा के अंतर्गत कला और मानव अभिव्यक्तियों के अन्य सांस्कृतिक रूप का समावेश किया जाना चाहिए। यदि शिक्षा का अर्थ बालक की प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करके बाहर लाना है तो ऐसे किया जाना अनिवार्य है। अनुभव ने इस बात को सिद्ध कर दिया है दोस्तों, आपके अनुभव ने इस बात को सिद्ध कर दिया। यहाँ तक बात हो गई संस्कृति की, सिंपल से बात है, संस्कृति से एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता है कि संस्कृति आप क्या समझते हैं, संस्कृति की परिभाषा बताइए, तो एक विशेष समय में विशेष लोगों द्वारा जीने की कला है, संस्कृति कहलाती है। शिक्षा क्या कहता है भाई, संस्कृति में स्थानांतरण करता है, निरंतर करता है, उसके संरक्षण करता है, उसका बचाव करता है संस्कृति का, दूसरों को दूसरी की संस्कृति जानने में सहायता करता है, इन चीज़ों की बात हो गई शिक्षा और संस्कृति में। ये दोस्तों बस यूँ समझिए कि एक टॉपिक है राष्ट्रीय एकाकीकरण जिससे सवाल पूछा जाता है, और एक सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध से आप क्या समझते हैं।
तो हम यहाँ पे नोट्स में नहीं जाएंगे, बस यूँ समझ लीजिए राष्ट्रीय एकाकीकरण का मतलब क्या होता है। एक राष्ट्रीयता की भावना होना, एक होने की भावना होना, सभी रंग रूप जाति भाषा क्षेत्र को भुलाकर एक भारतीय होना, यही वास्तव में राष्ट्रीयता कहलाती है। और सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा हिंदुस्तान है, जहाँ पे अनेक जाति धर्म भाषा क्षेत्र के लोग भी एक राष्ट्रीयता भारतीयता से बंधे रहते हैं, वही वास्तव में राष्ट्रीय एकाकीकरण कहलाता है। चलिए यहाँ तक बात हो गई इस चीज़ की। राष्ट्रीय एकता में शिक्षा का क्या भाई, शिक्षा तो राष्ट्रीय एकता शिक्षा के देखते हुए राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से आज शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना भरना एवं उनके हृदय में राष्ट्र प्रेम उत्पन्न करना। तो राष्ट्रीय एकाकीकरण के लिए शिक्षा का ये लक्ष्य है कि बच्चों के दिलों में राष्ट्रीयता की भावना रखना, राष्ट्रीय प्रेम जागृत करना, राष्ट्र के बारे में उनको सचेत करना और राष्ट्र की चीज़ों के बारे में सम्मान बताना, राष्ट्र के प्रति उनका कर्तव्य बताना। राष्ट्रीयता की दृष्टि से राष्ट्र को सुदृढ़ तथा सफल बनाना नागरिकों का सबसे पुनीत कार्य समझा जाता है। राष्ट्र की आवश्यकताओं आदर्शों एवं मान्यताओं के अनुसार ही शिक्षा व्यवस्था की जाती है। ठीक है, शिक्षा के द्वारा ये सारे वो सवाल हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको अपनी तरफ से हैं। सवाल आपसे बस ये पूछ लेगा कि राष्ट्रीय एकाकीकरण से क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें। तो इसमें आप एक और पॉइंट डाल सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकाकीकरण को कैसे प्राप्त किया जाता है, राष्ट्रीयता को कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए जब आप ये पढ़ाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चों के अंदर दोस्तों धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखकर विद्यालय और कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में आवश्यक संशोधन करना चाहिए जो बच्चों को इस बात को सिखाए कि पूरा राष्ट्र के जो भी लोग हैं वो भारतीय हैं, वो एक है, एक दूसरे का सम्मान आदर करें, अपनी परंपराओं को मनाएं, अपनी संस्कृति को मनाएं, लेकिन दूसरों को के भावना को आहत ना करें, दूसरों में हस्तक्षेप ना करें। इस तरीके की शिक्षा आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको किसी को निंदा करनी है, किसी के बारे में क्रिटिसाइज करना है तो एक लिमिट में करें। ठीक, जो भी इतिहास के हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने योगदान दिया इस राष्ट्र के लिए, उनकी कथाएं पढ़ाएं, उनकी कहानी पढ़ाएं, बच्चों को इससे अभिप्रेरित करें। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आप राष्ट्रीय एकता को और बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल आता है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, बस इसको यहीं समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का मतलब क्या हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का मतलब हुआ अंतर्राष्ट्र को समझना, अंतर्राष्ट्र के साथ सम्मेलन करना, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन जो होता है वैश्वीकरण, मतलब अंतर्राष्ट्र के साथ अपना सहयोग करना, व्यापार करना, उनको व्यापार करने का अवसर देना, एक विश्व बंधुता की भावना लेके चलना, एक दूसरे के साथ सहयोग में काम करना। जैसे शिक्षा व्यवस्था में भी मान लीजिए तो आपको पूरा अधिकार है कि आप किसी दूसरे राष्ट्र में जाकर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, कोई व्यक्ति वहाँ से यहाँ आके पढ़ सकता है। तो इस तरीके की भावना रखना राष्ट्रीय अवबोध है, अंतर्राष्ट्र को जानना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय के साथ अपना सद्भावना से जीवन जीना। चलिए एक लास्ट पॉइंट देख के इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिसको सवाल पूछे जाते हैं, एक लास्ट पॉइंट और है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको देखने के बाद इस वीडियो को समाप्त किया जाएगा। तो वो पॉइंट क्या है दोस्तों, वो पॉइंट है दोस्तों तो फिर आइए शुरू करते हैं, देखते हैं एक वीडियो में, इसमें कोशिश करते हैं समझने की वैदिक कालीन शिक्षा क्या है और बौद्धिक कालीन और मुस्लिम कालीन शिक्षा। तो पहले वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में हम समझ जाते हैं दोस्तों। वैदिक कालीन शिक्षा का मतलब दोस्तों वेदों के आधार पर शिक्षा। अब भारत में शिक्षा दोस्तों क्या है, सबसे पुरानी शिक्षा व्यवस्था है वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था है। ठीक है, तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति के रूप में माना जाता है। वैदिक शिक्षा प्रणाली भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक मुख्य अंग है जो वेदों पर आधारित है। इन्हें अर्थात भारतीय वेदों को विश्व भर के पुराने शास्त्रों के रूप में माना जाता है। वेद चार प्रकार के हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद। तो इन वेदों पर आधारित शिक्षा क्या कहलाती है दोस्तों, वैदिक शिक्षा कहलाती है। समय अवधि की बात करें तो ईसा पूर्व के 2500 से लेके 500 ईसा पूर्व तक के काल को हम वैदिक काल की शिक्षा में मानते हैं। फिर उसके बाद 500 के बाद क्या हुआ, बहुत शिक्षा स्टार्ट हो गई। अब वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य को देख लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर ए एस ऑलटेकर लिखते हैं कि ईश्वर, ये इस चीज़ को आप प्लीज़ इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ये बहुत ही बेस्ट तरीके से इन्होंने कहा था। ईश्वर की भक्ति एवं धार्मिकता की भावना, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य आदर्श एवं उद्देश्य समझे जाते थे। तो सवाल अगर आपसे पूछता है कि वैदिक कालीन शिक्षा के आदर्श उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, तो आप बिल्कुल यहाँ से शुरू कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने लिखा है। क्या कहा है भैया,
धार्मिकता की भावना, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता, उन्नति एवं राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण और प्रसार, यही मुख्य रूप से शिक्षा का आदर्श उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, अब कुछ मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो क्या उद्देश्य थे वैदिक काल की शिक्षा के? ईश्वर की भक्ति और धार्मिकता, मतलब ईश्वर को मानना वैदिककालीन शिक्षा में प्रमुख था। चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता, सांस्कृतिक, ये हैं इसके उद्देश्य और आदर्श। अब आइए इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लें तो कुछ क्या विशेषताएं थी वैदिककालीन शिक्षा में? तो वैदिककालीन शिक्षा की विशेषता ये थी कि दोस्तों उस समय जो शिक्षा थी वो गुरुकुल में दी जाती थी, गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा होती थी। ठीक है, घरों में गुरुकुल में होती थी। अब उस गुरुकुल में क्या होता था, बालक भी रहते थे, गुरुजी भी रहते थे, आचार्य, तो सब लोग उसी में रहते थे। शिक्षा दोस्तों 5 से 8 वर्ष जो बहुत अच्छे बच्चे होते थे उनको 5 साल और 5 से 8 वर्ष के रूप में माना जाता है। 8 प्रमुखता यहाँ पे प्रमुख है। तो 8 वर्ष की अवस्था में क्या होता था, एक संस्कार होता था जिसे हम उपनयन संस्कार कहते थे। उसके बाद बच्चा गुरुकुल में पढ़ने लगता था जिसे गुरुकुलवासी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया उपनयन संस्कार जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, तो उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। अब एक और विशेषता यह है दोस्तों कि जो शिक्षा व्यवस्था उस समय की थी वो कंप्लीटली गुरु के अध्ययन में रहती थी, गुरु के नियंत्रण में रहती थी। गुरु जी ही निर्धारित करेंगे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। कोई विशेष यहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप नहीं था कि राज्य निर्धारित कर ले कि किसी बच्चे को कब तक, नहीं, वो गुरु जी की डिसाइड होती थी कि गुरु जी क्या पढ़ाएंगे, किसकी शिक्षा देंगे, किसी शिक्षा देंगे, तो गुरु जी निर्धारित करते थे। ठीक है, गुरु जी क्या बात, गुरु विद्यार्थी के मानस पिता होते थे, छात्र को केवल शिक्षा ही नहीं देने देते बल्कि उनके पालन पोषण, वेशभूषा, सब चीज़ का ध्यान गुरु जी रखते थे। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। उपनयन संस्कार का मतलब हिंदू संस्कारों के 16वें संस्कार में से 10वां संस्कार उपनयन संस्कार होता है, जिस उपनयन का मतलब होता है, उप मतलब पास, नयन का मतलब नयन, अर्थात गुरु के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता है। ये 8 वर्ष की अवस्था में दी जाती है। एक और विशेषता ये है कि विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य जीवन पर बल देना पड़ता था, उचित समय पर शिक्षा का शुभारंभ कर दिया जाता था। ठीक है, इसकी विशेषता ये भी है कि उस समय की जो शिक्षा थी वो कम्प्लीटली व्यवहारिक शिक्षा थी। ठीक है, और गुरु शिष्य का संबंध जो पिता और पुत्र के समान था, चरित्र के विकास पर बल दिया गया, भिक्षावृत्ति की प्रथा थी, मतलब बच्चों को भिक्षा भी देना पड़ता था, सार्वजनिक एवं निःशुल्क शिक्षा होती थी वैदिककालीन शिक्षा की। अब आइए वैदिककालीन शिक्षा, जैसे जैसे वैदिककालीन से लास्ट में आता गया तो वैदिककालीन शिक्षा में कुछ बुराइयां शामिल हुई, जैसे कि शूद्रों को शिक्षा से रोक देना। ठीक है, और इस तरीके कुछ कमियां उसमें आती गई। उस कमियों को दूर करने के लिए एक नई शिक्षा प्रणाली है जिसको कहते हैं बौद्धिक शिक्षा, तो वैदिक के बाद बौद्ध शिक्षा प्रणाली है। अब एक सवाल आता है दोस्तों, वैदिककालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा में क्या प्रासंगिकता है या वर्तमान जीवन में क्या प्रासंगिकता है? तो अगर वैदिककालीन शिक्षाओं की जो विशेषताएं थी अगर उसको वर्तमान जीवन में लागू कर दें, नैतिकता का विकास, चरित्र का विकास, निःशुल्क शिक्षा, ये सब के लिए फायदा होगा। तो वैदिककालीन शिक्षा की वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता की बात करें तो वैदिककालीन शिक्षा आधुनिक भारत शिक्षा प्रणाली की नींव का पत्थर है, उसी के आधार पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। यह सच बात तो यह है कि वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली हमारी संस्कृति पर आधारित थी, संस्कृति से अलग नहीं थी हो सकते थे। आज भी हमारी शिक्षा का उद्देश्य मूल रूप से वही है जो वैदिक काल में थे। वैदिक काल की भांति आज भी हम समस्त ज्ञान, विज्ञान, कौशल और तकनीकी को शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं। आज भी हम शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच एक मधुर संबंध स्थापित करना चाहते हैं और आधुनिक काल की शिक्षा प्रणाली में और वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली में जो अंतर है वो विकास के क्रम में होने स्वाभाविक थे। जैसे जैसे विकास होगा, जैसे जैसे वक्त बदलेगा, वो तो अंतर होगा ही होगा, लेकिन अभी भी जैसे कि गुरु और शिष्य के संबंध में जो संबंध होता था ये बड़ा अच्छा है कि मतलब पहले से लेके अभी तक गुरु और शिक्षक के बीच में जो अच्छा संबंध रहा है वो हमेशा से भारत में रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और जो वैदिककालीन में शिक्षा के उद्देश्य रहते थे वो भी वर्तमान रूप में शिक्षा के उद्देश्य माने जाते हैं, हालांकि उसमें बहुत हद तक प्रैक्टिकल तौर पर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि किसी विद्यालय में इस बात पर ज़्यादा बल दिया जाता हो कि बच्चा व्यवहारिक हो, बच्चा अच्छा नैतिकता बने, इन सब चीज़ों पर हालांकि देते हैं लेकिन कम दिखाई देता है। वैदिककालीन इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिखाई देता था। चलिए बौद्धकालीन शिक्षा की बात करें तो वैदिककालीन शिक्षा में जैसे जैसे कुछ बुराई आती गई उसके बाद एक नई शिक्षा कालीन आई जिसको हम बौद्धिककालीन शिक्षा कहते हैं। अब ये कब आया ये बौद्धिककालीन शिक्षा आया दोस्तों? सन 563 ईसा पूर्व में महात्मा गौतम बुद्ध अवतरित हुए और उक्त दोषों को दूर करने के लिए सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया। महात्मा बुद्ध ने जाति भेद को दूर करके सभी लोगों को अपने धर्म का प्रचार किया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने यज्ञ आदि कर्मकांडों को दूर करने का उनके स्थान पर ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार जीवन बताया। तो इस तरीके से नई बौद्धकालीन शिक्षा आई, ठीक है, जिसको 600 के बाद माना जाता है। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों की बात कर ले तो ये भी उद्देश्य संभवतः समान थे, चरित्र का निर्माण, निर्माण की प्राप्ति, व्यक्ति का विकास,
इस तरीके से ये दोनों शिक्षाओं में ये प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। इनकी विशेषताओं की बात कर लें दोस्तों, इनकी विशेषताओं में देख लीजिए, इनकी विशेषताओं में सबसे पहले ये बात है कि इसमें सभी वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। एक वर्ग यहाँ पे माना जाता है जिसे हम चंडालों कहते हैं, इनको विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता, बाकी सभी वर्ण व्यवस्था को उसमें नहीं था, उसमें सभी को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएँ थी। ठीक है, इन लोगों को विद्यालय में नहीं प्रवेश दिया, जो किसी राजा की नौकरी करता हो, जो जेल खाने से भाग कर आया हो, जो राज्य की ओर से दंडित हो, जिसका कोई अंग भंग हो, जिसे डाकू घोषित किया गया हो, जिसका कोई शरीर का भाग विकृत हो, जो ऐसी बीमारियों से कोढ़ या ऐसी बीमारियों से छुए हो, जो दास हो अथवा कर्जदार हो, जो नपुंसक हो, जो माता पिता से आज्ञा ना मिले, तो ऐसे लोगों को विद्या नहीं दी जाती थी बौद्धकालीन शिक्षा में। अगर इसकी हम कुछ और बात करें तो दोस्तों 8 वर्ष की आयु में ये शुरू हो जाता था। पहला तो था उसका पबज्जिया संस्कार के द्वारा 12 वर्ष तक ये चलता था, पबज्जिया संस्कार से 12 वर्ष तक चलेगा। तो पबज्जिया संस्कार के बाद जो बच्चे शुरू करते थे उसे हम श्रमण कहते थे, सामनेर कहते थे या नौ शिष्य भी कहते थे। ये बात हो गई इनके शुरू करने की। अब पबज्जिया संस्कार का मतलब, पबज्जिया संस्कार ये एक विद्यारम्भ संस्कार थी, विद्या शुरू करने से पहले दी जाने वाली संस्कार थी। जैसे बौद्धकालीन में उपनयन संस्कार था, वैसे ही जैसे वैदिक काल में उपनयन था, वैसे बौद्धकाल में पबज्जिया संस्कार था। ठीक है, चलिए। अब इसमें क्या होता था, छात्र अपने सिर के बाल मुड़वाते थे, पीले वस्त्र पहनकर मठ के भिक्षुओं के चरण में अपना माथा टेकते थे और फिर पलथी मारकर बैठ जाते थे। इस तरीके से बात हो गई, मुख्य रूप से पबज्जिया संस्कार इनका है। अब इसके बाद दोस्तों पबज्जिया संस्कार के बाद एक और संस्कार होता था, उपसभ्यता संस्कार। 8 साल के बाद, 8 साल में उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, 12 साल तक उन्होंने पढ़ाई करी। अब जब उच्च शिक्षा अगर आपको प्राप्त करना है, 12 साल पढ़ने के बाद दोबारा अगर आपको पढ़ना है, तो एक और संस्कार होता था जिसे हम कहते थे उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार वही लोग करते थे जिसको भिक्षु बनना होता था, जिसको दोबारा पढ़ाना होता था। तो ये फिर 20 साल की उम्र में, 8 से 12 ये पढ़ लें, बच्चे को उम्र 20 हो गए, तो 20 साल की उम्र में ये उपसंपदा संस्कार होता था। यूँ कह रही थी कि उच्च शिक्षा से पहले दी जाने वाली संस्कार थी, ये उपसंपदा संस्कार हो गई। अध्ययन के समय को, समय की बात करें तो 12 वर्ष तक पबज्जिया का, 10 वर्ष तक उपसंपदा का, टोटल दोस्तों 30 साल तक इनकी, 8 वर्ष से आरंभ होगा, 30 साल तक इनकी पढ़ाई चलती थी। ये इसकी कुछ विशेषताएं होंगी। विद्यार्थी के जीवन में कुछ नियम थे, स्नान करना, उनको सादे जल में स्नान करना है। ठीक है, और किसी कोई दूसरा उनको स्नान में सहायता नहीं कर सकता, मतलब जैसे ना मालिश वालिश कुछ और नहीं कर सकता, खुद से स्नान करना है। ठीक है, भोजन के नियम थे, सही समय पर सादा शुद्ध भोजन खाना है, सादे कपड़े वस्त्र धारण करना है, आपको भिक्षा मांग के खाना है। तो ये सारी उसकी विशेषताएँ थी उन समय के बौद्धिककालीन शिक्षा में। ठीक, बौद्धिककालीन शिक्षा के कुछ गुण देख लीजिए, फिर उसके बाद एक और शिक्षा व्यवस्था रहेगी, फिर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। बौद्ध काल के प्रत्येक वर्ण को शिक्षा मिलता था, महिलाओं को भी शिक्षा मिलता था दोस्तों। ठीक है, और किसी भी जाति को छोड़ा नहीं जा सकता था, मतलब सबको शिक्षा मिलता था, कहने का मतलब ये है। असामाजिक और आपराधिक जो भी कार्य करने वाले थे उनको शिक्षा नहीं दिया जाता था। इसके नहीं देने का मतलब यह है कि समाज से अपराधों को दूर करना। पबज्जिया के बाद 9 भिक्षु आध्यात्मिक गुरु का चयन करता था, उनके निर्देशन से वह पूर्ण भिक्षु पद प्राप्त कर सकता था। सिद्ध व्यवहारिक ब्रह्मचर्य पर सर्वाधिक बल दिया गया इस काल में, उसे गुरु के लिए अनेक सेवा कार्य भी करने पड़ते थे। अपराध होने की दशा में विद्यार्थी को अपराध बोध करते एवं एक दंड के लिए निवेदन करते। अच्छा, इस काल में ये भी व्यवस्था थी कि अगर कोई विद्यार्थी कोई अपराध कर ले तो वो खुद निवेदन करता था कि मेरे इस अपराध की मुझे सजा दे दीजिए ताकि मैं अपराध मुक्त हो जाऊँ, दोष मुक्त हो जाऊँ। तो इस तरीके का गुण थी बौद्धकालीन शिक्षा में। एक पॉइंट इसमें और देख लीजिए दोस्तों, बौद्ध शिक्षा प्रणाली की वर्तमान में प्रासंगिकता जो होती है ना, वो आपको खुद से लिखना होता है। आप क्या समझते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा के जो गुण थे, जो विशेषताएं थी, वो आज के लिए कितना फायदेमंद है, आज के लिए कितना जरूरी है? तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक बौद्धकालीन शिक्षा की देन है कि आज भी एक समावेशी शिक्षा की बात की जाती है, इसमें जाति धर्म भेदभाव को हटाकर एक समावेशी शिक्षा दी जाती है, तो ये उसकी फायदे हो गए। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षाओं के अगर कुछ गुणों को हम अपने वर्तमान शिक्षा में लागू करें, जैसे विद्यार्थियों का सादा जीवन, दोषपूर्ण नीति, अपराध कम करने के जोर की नियमित हैं, अगर हम वो लागू कर दें तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक, ये होगी बात, इस तरीके से आपको बताएंगे। लास्ट पॉइंट देखेंगे, फिर उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली दोस्तों मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली कही जाती है। 1200 से 1700 तक के काल को मुस्लिम काल कहा जाता है। ठीक है, वह विद्वान इस काल में भी दोस्तों मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी विद्या का आदर, विद्वान का आदर करना, विद्या प्रसार करना धार्मिक कर्तव्य समझते थे। मुस्लिम काल शिक्षा के रूप में निजी तथा सरकार के नियंत्रण में नहीं, मस्जिदों और मौलवी के द्वारा दी जाती थी। 2 प्रकार के इनके प्रमुख शिक्षा केंद्र रहे, मकतब और मदरसा। मकतबों में दोस्तों, मकतब में बच्चों का
एक चीज़ है शिक्षण संस्थाएं की बात करें तो एक है मकतब, एक मदरसा। मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती थी। मकतब में बच्चों को याद कराना, स्मरण का काम भी किया जाता, जबकि मदरसे में भाषण विधि से शिक्षा दी जाती थी। कुछ और पॉइंट को हम देख लेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाह रस्म। बिस्मिल्लाह रस्म क्या होता है? तो जैसे वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार, जैसे बौद्ध कालीन शिक्षा में पवज्जय संस्कार, उसी प्रकार से मुस्लिम कालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह रस्म है, जिसे 4 वर्ष 4 महीना और 4 दिन पे दिया जाता था। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, उसको जरा इग्नोर करिएगा। 4 वर्ष 4 महीना और 4 दिन में मुस्लिम कालीन शिक्षा दी जाती थी। इसमें क्या होता था कि बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता था, उसके बाद उसकी शिक्षा शुरू कर दी जाती थी। जो बच्चे बिस्मिल्लाह पढ़ लिए, मतलब उनकी आज से पढ़ाई शुरू हो गई। उससे पहले एक कुरान की आयत पढ़ाई जाती थी, अगर कोई बच्चा आयत पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो केवल बिस्मिल्लाह करके ही उसका बिस्मिल्लाह रस्म शुरू कर दिया जाता था। एक सवाल और देख लीजिए कि इल्म और तालीम का क्या मतलब है? इल्म का मतलब दोस्तों, इल्म का मतलब नॉलेज है, ज्ञान, ठीक है, और तालीम का मतलब पूरी शिक्षा। तो इल्म का और ज्ञान में वही संबंध है जो आपके ज्ञान और शिक्षा में संबंध है। ज्ञान अर्थात जो बच्चे ने सीखा, शिक्षा मतलब वो व्यवस्था जो बच्चों को शिक्षित करती है, जो बच्चे को बेहतर करती है। तो ये बात हो गई इल्म और तालीम की। शिक्षण पद्धति की बात करें दोस्तों, तो मौखिक पद्धति भी थी, रटने पर स्मरण को बल दिया जाता था, ठीक है, व्याख्यान विधि, प्रस्तुतोत्तर विधि, वाद विवाद विधि बच्चों को कराया जाता था, ठीक, और छोटी छोटी कक्षा में छात्रों को पढ़ाने कार्य करते। इसमें एक और चीज़ था जिसको हम कहते हैं छात्र नायिका पद्धति थी, मतलब जो बड़े बच्चे थे, जो ऊंचे क्लास के बच्चे थे, वो छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। तो छात्र नायिका की एक पद्धति थी मुस्लिमकालीन शिक्षा में। स्त्री शिक्षा की थोड़ी सी उपेक्षा की गई है, क्योंकि स्त्री यहाँ पे एक प्रथा थी, प्रथा। तो प्राथमिक शिक्षाएं तो हो जाती थी, लेकिन जब स्त्रियाँ बड़ी होती थी तो उनके लिए शिक्षा व्यवस्था अलग करना पड़ता था, घर पर रखना पड़ता था, एक साथ नहीं करना पड़ता, इसलिए स्त्री शिक्षा की उसमें उपेक्षा की गई। इसके अलावा सैनिक शिक्षा भी दिया गया, क्योंकि उस समय राजकाज था तो एक सिपाही की जरूरत होती थी, एक सैनिक की जरूरत थी, सैनिक शिक्षा भी दिया जाता था इस काल में। तो बस इस एक निःशुल्क शिक्षा प्रणाली थी और एक छात्रवृत्ति भी बच्चों को दिया जाता था, ठीक है, छात्रवृत्ति दिया जाता था। निःशुल्क शिक्षा इस काल के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, जैसे वैदिक काल में दी गई। तो इस तरीके से ये आपके सारे पॉइंट रहे हैं आपके नॉलेज एंड करिकुलम। दोस्तों सिंपली ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक बार सारे जो भी पॉइंट हैं उससे आपको होके गुजर जाइए, क्योंकि किताब में पढ़ेंगे तो कुछ भाषाएं समझ में नहीं आती हैं। ऐसे वीडियो देखने से अगर आपको 50% भी, 40% भी, 60% भी समझ आ गया होगा तो मैं मानूंगा कि इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो गया। तो मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट में अपनी राय दे दीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी। नहीं जुड़े हैं चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे भी फीडबैक दे दीजिएगा। अब आपने सारे पॉइंट्स को देख लिए ना, अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस पॉइंट को जानते हैं, आपने इस पॉइंट को पढ़ रखा है, तो आप बहुत आसानी से सारे पॉइंट को कर लेंगे और परीक्षाओं में इससे आप जाके देखिएगा 90-80% आपके सवाल इससे मिलने वाले हैं, इससे बाहर का नहीं होने वाला, आप आसानी से अपने पूरे सवाल को कर जाएंगे। सो मुझे दीजिए इजाज़त, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, देखेंगे किसी अन्य सब्जेक्ट का मैराथन किया जाएगा और इस तरीके से आपके पूरे विषय को समझा जाएगा। और मैं आशा करता हूँ मेरी मेहनत को थोड़ी सराहना करेंगे, कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई इस वीडियो बना के, आप अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।